चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग ईयर 2020 के क्वेश्चन नंबर 41 से, ये 91 नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 41 होगा, से आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछ रहा है, द एनालिटिकल अप्रोच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन बी रिगार्डेड एज प्रिकर्सर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। मतलब इनमें से किन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एनालिटिकल अप्रोच जो था उनके वर्क के टूवर्ड्स, ठीक है, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाँ, ये लोग, इन लोगों ने कहीं ना कहीं यू नो पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत कर दी थी एंथ्रोपोलॉजी में, इन्हीं को हम प्रिकर्सर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म मानते हैं। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है, वन सेकेंड, ऑप्शन है फेडरिक क्लिफर्ड ग्रिस, फेडरिक बर्थ, रोनाल्ड इंडन और टिम इनगुड। ओके, ये चार ऑप्शन है हमारे पास और इसमें से कोई दो ऑप्शन सही है, मतलब पेयर में ऑप्शन सही है, केवल एक पेयर कोई सही है। ठीक है, ऑप्शन है ए और डी, बी एंड सी, बी एंड डी और ए एंड बी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। आप तब से सोचिए, तब से मैं एक बार ये क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, सो दैट कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उनको भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सो हिंदी में ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मानव वैज्ञानिकों के विश्लेषणात्मक उपगमों को उत्तर आधुनिकतावाद के पूर्ववर्ती भी माना जाता है। ठीक है, ठीक। सो हिंदी मीडियम के बच्चों को आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रिकर्सर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। सो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के जो बाद आया है ना, पोस्ट मतलब बाद आया है। ठीक है, ठीक, ये तो है, लेकिन मॉडर्निज्म में ऐसा क्या था जो पोस्ट मॉडर्निज्म आने की जरूरत पड़ गई, और पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा नया क्या है। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो किस पे फोकस करता था, वो फोकस करता था सब्जेक्टिविटी पे। सबसे बड़ी चीज, सबसे मेन चीज जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की एंथ्रोपोलॉजी, वो ये थी कि ये सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता था। ये कहता था पोस्ट मॉडर्निज्म कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें ट्रूली ऑब्जेक्टिव नॉलेज मिल सके, ट्रूली ऑब्जेक्टिव नॉलेज मिलना ज़रूरी नहीं है। ठीक, ठीक है। सो इस वजह से हम इसी वजह से ये नहीं कह सकते कि यू नो कि हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो कुछ भी यू नो हम जो कुछ भी एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च हो रही हैं वो ट्रूली ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी केवल, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी में देखें तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना जो है वो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ह्यूमन है। ऐसा तो है नहीं कि हम लैब में काम कर रहे हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे, हम अपने हिसाब से लाइट कंट्रोल करेंगे। नहीं, हमारा तो यहाँ पर जो यू नो एक्सपेरिमेंटिंग बॉडी है वो क्या है, ह्यूमन है। हम ह्यूमन के साथ इंगेज हो रहे हैं और वहाँ पर हमारा बायस होना कई बार यू नो हम हो जाता है, हमसे, हम ना चाहते हुए भी हमारे काम में बायसनेस आ जाती है। ठीक है, सो हमारा जो है, अगर हम ये कहते हैं कि हम जो हमारा जो वर्क है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा ट्रूली ऑब्जेक्टिव होना मुश्किल है, बिकॉज एवरीवन कैन यू नो एवरीवन हैज़ कल्चरल बायस। हर इंसान का एक कुछ ना कुछ कल्चर बायस आ ही जाता है। ठीक, तो इसी वजह से नो वन कैन बी ट्रूली ऑब्जेक्टिव, कोई भी ट्रूली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं जो है बायसनेस आ जाती है। इसी वजह से ये लोग कहते हैं कि हमें हमारा जो है जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो ज़्यादा किस पे ज़्यादा फोकस किस पे करता है, सब्जेक्टिविटी पे। ठीक है, सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है, लेकिन साथ ही साथ हाँ ये है कि बायसनेस कम से कम हो। ठीक, लेकिन आप ये अगर कहिए कि नहीं, मेरा जो डेटा है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, आप यूनिवर्सल, आप जैसे लैब में यू नो लैब में हर चीज़ कंट्रोल तरीके से होती है, आप वैसे चीज़ कॉपी करना चाहे तो कर लें, वैसे ही अगर आप इस ह्यूमन पे जो चीज़ लागू कर रहे हैं वो आगे भी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक, बिकॉज आपका सब्जेक्ट की ह्यूमन है, ये कभी भी अल्टर कर सकता है, कभी भी यू नो अभी मैंने मान लिया कि हाँ मैंने ये काम किया है, बाद में मैं मना कर दूँ कि मैंने कब कहा था। ठीक है, सो इस वजह से पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली कहता है कि सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक, सो ये चीज़ पोस्ट मॉडर्निज्म की हो गई। ठीक है, सो हमने पोस्ट मॉडर्निज्म देख लिया। अब देखिए, अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है बेसिकली क्या, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एंथ्रोपोलॉजी में पोस्ट मॉडर्निज्म का प्रिकर्सर एक्चुअली कौन है, किसने अपने एनालिटिकल अप्रोच से, अपने वर्क से ये जाहिर किया। ठीक, सो ऑप्शंस यहाँ पर है क्लिफर्ड ग्रिस, फेडरिक बर्थ, रोनाल्ड इंडन एंड टिम इनगुड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए एंड बी। ओके, सो क्लिफर्ड ग्रिस और फेडरिक बर्थ इसके करेक्ट ऑप्शन है। क्लिफर्ड ग्रिस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लिफर्ड ग्रिस जो है वो मेनली हम लोग इनको किस में पढ़ते हैं,
इंटरप्रेटिव थियरी में, इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी भी आप कह सकते हो, या फिर इनको हम लोग सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, क्लिफर्ड गेट्स और विक्टर टर्नर, मैरी डॉगलस, ठीक, सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हो। और इनका एक जो फेमस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लिफर्ड गेट्स का, वो क्या है, थिक डिस्क्रिप्शन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, थिक डिस्क्रिप्शन, ओके। उसके बाद फ्रेडरिक बर्थ के भी बारे में जानना ज़रूरी है। फ्रेडरिक बर्थ जो थे, वन सेकेंड इसको हटा देते हैं, फ्रेडरिक बर्थ के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेडरिक बर्थ जो थे, फ्रेडरिक बर्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये क्या थे, ये अगर हम इकोनॉमिक यू नो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें सब्सटेंटिव और फॉर्मलिस्ट व्यू पढ़ते हैं, तो ये फॉर्मलिस्ट व्यू से बिलोंग करते थे। और इनकी जो ट्रांजैक्शनलिज्म की थीरी थी, ट्रांजैक्शनलिज्म एनालिसिस, ठीक है, इसके लिए ये बहुत फेमस हुए। और एक चीज़ जिसके लिए बहुत फेमस हुए वो था, इन्होंने स्वार्ट पठान्स, वन सेकेंड, इन्होंने स्वार्ट पठान्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो स्वार्ट पठान्स हैं वहाँ पे उन्होंने किसकी थीरी की थी, पॉलिटिकल लीडरशिप की थीरी की, मतलब स्टडी की थी, सॉरी, पॉलिटिकल लीडरशिप की स्टडी की थी अमंग द शॉर्ट पठान्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने यू नो पॉलिटिकल लीडरशिप अमंग द शॉर्ट पठान्स में किसने स्टडी की थी ऑफ पाकिस्तान, तो वो थे फ्रेडरिक बर्थ। इसके साथ फ्रेडरिक बर्थ ने कुछ और लोगों पे भी काम किया है, वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आज इस समय बहुत डीप से पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो अपने नोट्स में ये भी ऐड कर लीजिए। सो इसके साथ इन्होंने कहा कि ईरान के बसारी लोगों पे काम किया है, बसारी पीपल्स पे काम किया है इस, और इन्होंने पापुआ न्यू गिनी के बक्टमन लोगों पे भी काम किया है, और इसके साथ इन्होंने बाली और भूटान में भी काम किया है, ठीक। सो क्योंकि एशियन यू नो कंट्रीज़ हैं तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो वर्क है वो एशिया में है, पाकिस्तान में है इन्होंने काम किया है, बाली में काम किया है, पापुआ न्यू गिनी में काम किया है, भूटान में काम किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए फ्रेडरिक गेट्स से रिलेटेड। वन मोर थिंग जो आपको इसमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, वो ये है कि और कौन से पोस्ट मॉडर्निस्ट यू नो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि यू नो ये लोग क्वेश्चन बना के पूछ ले कि इनमें से कौन से पोस्ट मॉडर्निज्म के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर नहीं है। तो जो और फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो एक तो क्लिफर्ड लिस्ट का नाम आता है, ठीक है, इसके साथ साथ जेम्स क्लिफर्ड, इन्हीं से नाम रिलेटेड है, जेम्स क्लिफर्ड ये पोस्ट मॉडर्निस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उसके साथ साथ जॉर्ज मार्कस, नैन्सी ह्यूक्स, ठीक, इनके नाम आप जब भी पढ़ेंगे आपको ये सारे नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इन लोग के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये तीनों जो है वो क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। सो ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, सॉरी हमारे लिए तो ये 42 ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, वन सेकेंड, मैं इसको 42 देख कर दे रही हूँ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन, पैरोकलाइजेशन, अनटचबिलिटी, ओके। सो ये ऑप्शन है, मैं हिंदी में भी ये क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ कि जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी में क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से कारक तीव्र कर सकते हैं, प्रभावी जाति, पक्षमीकरण, शाम्वीकरण, अस्पृश्यता, ओके। सो अगर हिंदी पढ़ने में थोड़ी गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। सो ये ऑप्शन है, ठीक है। सो हिंदी मीडियम के बच्चे भी आई होप समझ गए होंगे। सो आइए क्वेश्चन को अब देखते हैं कि क्या पूछ, क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे पूछ क्या रहा है। सो इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को एक्सीलरेट करेंगे। एक्सीलरेट मतलब संस्कृताइजेशन की प्रोसेस होने में हेल्प करेंगे, यू नो एक्सीलरेट मतलब क्या, हम गाड़ी में एक्सीलरेटर लगाते हैं मतलब गाड़ी तेज होती है, तो कहीं ना कहीं संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को यू नो आगे बढ़ने में, उसको और फास्ट तरीके से होने में, ठीक, उसमें हेल्प करेंगे, ठीक। तो संस्कृताइजेशन होता क्या है सबको पता होगा
कि संस्कृताइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन में जो नीचे की लेवल की कास्ट है वो अपने ऊपर के लेवल की कास्ट के एक सिंपल वे में अगर समझे तो उसकी कॉपी करके उन्हीं की तरह होने की कोशिश करते हैं। जैसे MN श्रीनिवास ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, MN श्रीनिवास ने ये कॉन्सेप्ट दिया है ओके और इसमें ये बता और इसमें ये एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं जैसे नीचे की कास्ट वेजिटेरियन होने लगती हैं ना, ये सब सारे ऑप्शंस ये देती हैं। ठीक, इसको हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे, अभी के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो उन लोगों को और हेल्प करेंगी कि वो जल्दी से जल्दी संस्कृताइज हो जाएं। ठीक है, उनके हिसाब से वो संस्कृताइज हो जाएं। वन सेकेंड। ठीक, सो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डोमिनेंट कास्ट है, वेस्टर्नाइजेशन है, पैरोकलाइजेशन, अनटचबिलिटी है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स देखने हैं जो इसको हेल्प करेंगे, हमें निगेटिव फैक्टर्स क्वेश्चन से हटा देना है। ठीक, सो सबसे पहला तो निगेटिव फैक्टर्स हमें क्या दिख रहा है, अनटचबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अनटचबिलिटी तो इसमें कहीं ना दूर दूर तक इसका संस्कृताइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर हम अनटचबिलिटी को बढ़ावा देंगे तो अनटचबिलिटी अगर बढ़ावा देंगे तो कैसे संस्कृताइज लोग होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ पैरोकलाइजेशन क्या होता है, जब हम यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकलाइजेशन दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सो पैरोकलाइजेशन में क्या होता है, जब कल्चर जो है पैरोकलाइजेशन में क्या होता है, लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ जाती है, और यूनिवर्सलाइजेशन में क्या होता है, जब ग्रेट ट्रेडिशन से कल्चर जो है वो लिटिल ट्रेडिशन की तरफ जाता है। ठीक, मतलब जो ग्रेट ट्रेडिशन के लोग हैं वो लिटिल ट्रेडिशन के लोगों के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये वो यूनिवर्सलाइजेशन और ये पैरोकलाइजेशन, तो ये दोनों चीज़ तो यहाँ पर होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए एंड बी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन जब होगा, जब सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेगी तो सोसाइटी का सारा स्ट्रेटा उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वेस्टर्नाइजेशन की ओर ऊपर के लोगों के लिए आएगा, जब सोसाइटी में कोई वेस्टर्न कल्चर की वजह से चेंजेस आएंगे तो वो सब लोगों के लिए आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका असर सब लोगों पे होगा। ठीक है, तो लोग वेस्टर्नाइज होंगे, मॉडर्नाइज होंगे तो सारे लोग होंगे। ठीक, और दूसरी बात, डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट कास्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो अपर स्ट्रेटा की कास्ट हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन है तो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, देन क्षत्रिय है, देन वैश्य है, देन शूद्र है। ठीक है, सो ऐसा डोमिनेंट कास्ट में होता नहीं कि केवल यही कास्ट जो ऊपर की कास्ट है यही डोमिनेट करेंगी। डोमिनेंट कास्ट तो वही वो उस जगह की डोमिनेंट कास्ट होती है ना, जिस कास्ट के पास पावर है, मनी है, पॉलिटिकल पावर है, यू नो मसल पावर है, लोग हैं जिनके पास, तो वो तो कोई भी हो सकता है। तो जब इनके जब ये डोमिनेंट कास्ट बनेंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये संस्कृताइज करेंगी और इन लोगों की तरह होना चाहेंगी ना, इनकी तरह बिहेवियर हर चीज़ रहन सहन होगा, तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछ रहा है, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछ रहा है, ये 43 है। पेरियर बुर्दो एनालाइज डिफरेंट फैसेट्स ऑफ कैपिटलिज्म इन विच इंक्लूड्स। ठीक है, पेरियर बुर्दो ने अलग अलग फैसेट्स ऑफ कैपिटलिज्म बताया है, उसमें से कौन कौन से कैपिटल की वो बात करते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए, वन सेकेंड। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग को लगता है कि यू नो हिंदी आपको समझ में आ रहा है और आपको हिंदी में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ती हूँ तो उसमें भी टाइम जाता है, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इंग्लिश में क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन वैसे भी समझा दे रही हूँ ना कि इसकी मीनिंग क्या है हिंदी में। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे हमें ऐसे समझ में आ रहा है, आपको हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि और पेपर आपको आपके पास है, आप पेपर NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, मैं केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो भी कमेंट करें, नहीं ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करें कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट कि मुझे आइडिया मिल जाए, हमारे पास टाइम, हमारा टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक, सो मैं काम करती हूँ, मैं अभी इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन समझा ही दे रही हूँ कि पेरियर बुर्दो जो हैं उन्होंने एनालाइज़ किया था अलग अलग फैसेट्स ऑफ कैपिटलिज्म के, अलग अलग फैसेट्स को, उसमें से कौन कौन से, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल या सिम्बॉलिक कैपिटल। सो मैं आपको बताती हूँ, पेरियर बुर्दो ने अपनी कैपिटल थीरी दी थी, अगर ये आपसे पूछा जाए कि कैपिटल थीरी किसकी है, सो ये किसकी है, पेरियर बुर्दो की है। और इसमें ये चार तरह के कैपिटल्स की बात करते हैं, कौन कौन से वो चार तरह के कैपिटल हैं, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और सिंबॉलिक।
ये चार तरह की कैपिटल की बात करते हैं, ठीक। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो देखिए, सोशियो कल्चरल तो हम पढ़ते ही हैं, और इकोनॉमिक और सिम्बॉलिक दो आपको और याद करनी है, ठीक। तो सोशियो कल्चरल आप एक में कर लो, इकोनॉमिक और सिम्बॉलिक करके ऐसे याद कर लो, ठीक। सो ये चार कैपिटल्स हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सीधी सी बात है, ह्यूमन कैपिटल जैसी इन्होंने कोई बात नहीं की है, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए बी और सी, दैट इज सॉरी बी सी डी एंड दैट इज ऑप्शन नंबर टू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो उसमें से कौन कौन से मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं ग्लोबलाइजेशन में। सो हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है, ठीक है, जो अक्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, अक्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट हो रहा है। अब उसमें मूवमेंट किस किस चीज़ों का हो रहा है, देखिए मूवमेंट उसमें हो रहा है आइडियाज़ का मूवमेंट हो रहा है, पीपल का मूवमेंट हो रहा है, लोगों का मूवमेंट हो रहा है, आइडियाज़ का मूवमेंट हो रहा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस का मूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, बहुत सी चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है, ठीक, इसमें ग्लोबलाइजेशन में। तो यहाँ पर हमें वो मूवमेंट या ऑप्शन से देखने हैं जो मूवमेंट हो रहे हैं किस वजह से, ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेड गुड्स, इन्फॉर्मेशन, इन्फेक्शियस डिजीज एंड ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर ऑप्शन कितने सही हैं, तीन ऑप्शन हमें करेक्ट चूज करने हैं। ओके, सो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है ट्रेड गुड्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन में गुड्स का ट्रेड हो रहा है, ठीक। अगर आप इंडिया में भी देखें तो इंडिया बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और बहुत सी चीज़ें इम्पोर्ट करता है, ठीक, ठीक है, बहुत सी चीज़ें बाहर से मंगाता भी है और बहुत चीज़ें बाहर भेजता भी है, ठीक है, ठीक। तो गुड्स का तो हो रहा है, सामान का लेन देन हो रहा है देशों के बीच में। उसके बाद इंफॉर्मेशन का भी एक्सचेंज हो रहा है, कैसे, आज आपको पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, एक कंट्री में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, हम आसानी से जान जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन का भी एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ दी गई है वो दी गई इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये तो मतलब एकदम ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पास अब हो गया है कोविड का। हाँ, कोविड के टाइम कैसे क्रॉस बॉर्डर ये जो बीमारी जो कि क्या थी, एक एपिडेमिक थी, एपिडेमिक थी, वो क्या बन गई, एक पैंडेमिक बन गई। पैंडेमिक, पैन मतलब पैन एरिया, हम कहते हैं पूरे उसमें, तो जो चीज़ एक कंट्री स्पेसिफिक जो बीमारी थी वो कैसे पूरे वर्ल्ड स्पेसिफिक बन गई, पूरे स्पेसिफिक पूरे वर्ल्ड में वो बीमारी फैल गई। कैसे फैल गई, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग जगह ट्रेवल कर रहे हैं, और जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने साथ वो क्या कर रहे हैं, वायरस भी उनके साथ, बैक्टीरिया जो भी उसके पैथोजन है उस बीमारी के, वो भी उनके साथ ट्रेवल कर रहा है, और इस वजह से ग्लोबलाइजेशन के कारण डिजीज़ का भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो देखने लायक है यहाँ हमारे सामने वो है, वन सेकेंड, वो है ह्यूमन राइट्स का। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स भी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। सो देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये चीज़ ज़रूर है कि अब हम लोग दूसरे कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स की कंडीशन क्या है इस बारे में जानते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जैसे अभी हम बात करें कि पाकिस्तान में अगर हम लोग माइनॉरिटीज़ की बात करें, वहाँ पर विमेन राइट्स की बात करें, सो अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें बहुत कुछ पता है इस बारे में कि वहाँ पर क्या कंडीशन है, या फिर और दूसरे कंट्रीज़ में क्या कंडीशन है। बट यहाँ जो कह रहा है कि मूवमेंट की जो बात कर रहे हो रही है, तो मूवमेंट की ऐसा कुछ मूवमेंट तो हो नहीं रहा है कि हाँ यहाँ के ह्यूमन राइट्स वहाँ के ह्यूमन राइट्स में, कोई मूवमेंट वाली बात नहीं हो रही। सो इस हिसाब से हम लोग हमारे जो तीन अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमें तीन ही ऑप्शन यहाँ पर वो सेलेक्ट करने हैं, सो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन ए बी और सी के साथ, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए बी एंड सी, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, वन सेकेंड। सो या क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछ रहा है, इट इज़ 45 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब को क्यों मार्क किया है, इसलिए मार्क किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, पूछा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, लेकिन वो आर्टिकल सेलेक्ट करके आते हैं जिसमें एससी और एसटी दोनों के बारे में कहीं कहीं बात की गई रहती है, दोनों का नहीं पूछ रहा है कि दोनों के बारे में एक ही आर्टिकल में बात की गई हो। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपसे केवल किसके बारे में पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे किसके बारे में पूछ रहा है,
एसटीज के बारे में, वो आर्टिकल्स आपको चूज करने हैं जो एसटीज से रिलेटेड हैं, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हैं ओनली. ओके, सो देखिए यहाँ पर आर्टिकल है आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, देन आर्टिकल 333 एंड देन आर्टिकल 342. ठीक है, ये चार आर्टिकल आपके पास हैं. सो आइए, मैंने अलग से पूरे आर्टिकल के क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप लोग वो एक स्पेसिफिक वीडियो देख लेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई वीडियो आ गया तो बिलीव में, अगर आप वो वीडियो देख के अच्छे से समझ के पढ़ के और याद करके गए हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ओके, सो आप जाके ज़रूर वो वीडियो देखें, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ कि ये सारे आर्टिकल किससे जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो इन सारे आर्टिकल में एक्चुअली कहा क्या गया. तो आर्टिकल 330 की अगर बात करें तो ये बात करता है लोकसभा में रिजर्वेशंस की. ठीक है, सीट की रिजर्वेशन की. ठीक, ये इस पे एसटी और एससी दोनों की बात की गई है, तो इसमें दोनों है तो चलिए ठीक है, ये एसटी के साथ बिलोंग करता है. ठीक, देन आर्टिकल 332, आर्टिकल 332 में किसकी रिजर्वेशन, यहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात की कही गई है. अब आर्टिकल हम 332 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 332 में रिजर्वेशन कहाँ पे बात हो रही है, सॉरी रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबली, जो विधानसभा होती है स्टेट असेंबली, वहाँ पर रिजर्वेशन की बात हो रही है एसटी एससी के, तो एसटी भी है इसमें, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है. देन आर्टिकल 333, देखिए आर्टिकल 333 हम यहाँ हमारे काम का नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 333 किससे बिलोंग करता है, एंग्लो इंडियन से बिलोंग करता है. ठीक है, आर्टिकल 333 एंग्लो इंडियन से बिलोंग करता है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है. ठीक, तो यहाँ पर अगर आप इसी को निकाल देंगे तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो ए बी और डी, तो ये आपका ऐसे ही सेलेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड. बट अब आर्टिकल 342, आई होप मुझे ये ना बताना पड़े, हर बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 342 एग्जैक्टली क्या है. अगर आपको आर्टिकल 342 नहीं पता है, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है और आपको अच्छे से और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक, सो आर्टिकल 342 आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 342 में एग्जैक्टली क्या कहा गया है. ओके, चलिए, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया है ए बी डी, और ए बी डी है, सी नहीं है, सी जो है 333 वो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लॉज ऑफ कंपेरेटिव अप्रोच ऑफ मॉर्गन एंड टाइलर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाई फ्रांस बोआस. मतलब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन से फ्लॉज, मतलब यहाँ पे क्या है, कमियां. ओके, कमियां, कौन सी कमियां थी जो कंपेरेटिव अप्रोच था मॉर्गन और टाइलर का, जिसको फ्रांस बोआस ने आइडेंटिफाइड किया था. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ. ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिया गया है, द मेथड ऑफ एथनोलॉजी, द एजम्पशन ऑफ यूनियन लीनियर एवोल्यूशन, द नोशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एज एवोल्यूशनरी सर्वाइवल, द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वीक डाटा एंड इन अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया. देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है और आप इन दोनों लोग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या यू नो आइडेंटिफाई किया था, कौन कौन से फ्लॉज आइडेंटिफाई किए थे फ्रांस बोआस ने, बट आप एटलीस्ट इतना जानते हैं कि इसमें से कौन से टर्म, कौन सी चीज़ें बिलोंग करती हैं मॉर्गन और टाइलर से, आप ये क्वेश्चन खुद ब खुद यू नो निकाल लेंगे. आपको किसी, ये आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं. आप देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कह रहा है द मेथड ऑफ एथनोलॉजी, सो मेथड ऑफ एथनोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज एथनोलॉजी क्या है, एथनोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, एथनोलॉजी क्या है, कंपेरेटिव और एनालिटिकल स्टडी है कल्चर की ना, यही तो है एथनोलॉजी. सो ये तो इन्होंने किया ही है. ठीक है, कंपेरेटिव अप्रोच तो इनका था ही, और कंपेरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ कल्चर इज नोन एज एथनोलॉजी, तो ये तो ऑप्शन हमारे इससे हट गया, इसमें कोई फ्लॉज नहीं था. फ्लॉज अब यहाँ पर तीन ऑप्शन हमें करेक्ट करें, मतलब तीन ऑप्शन कौन से सही हैं, बी सी डी सही है. एक तरीके से तो आप ये क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते थे. दूसरे तरीका क्या है क्वेश्चन निकालने का, वो ये है कि इसमें वो सारी टर्मिनोलॉजीज ढूंढिए जो इन लोगों से बिलोंग करती है. ठीक, ठीक है, तो पहला जिसको यू नो लगता है कि हाँ फ्रांस बोआस के हिसाब से वो फ्लॉज हो सकते हैं, पहला जो इनके हिसाब से फ्लॉज ये होगा कि द एजम्पशन ऑफ यूनिलीनियर एवोल्यूशन, फ्रांस बोआस जो है वो ये इस चीज़ को कहते हैं कि इन लोगों ने जो कहा था कि हाँ केवल यू नो रिलीजन है
देन मैजिक है, देन साइंस है। तो ये जो यूनिलिनियर एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं इसमें इन्होंने फ्लॉज बताई। सीधी सी बात है, हम अभी भी अपने साथ यू नो मैजिक और साइंस एक साथ देख रहे हैं, मैजिक रिलीजन एंड सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मैजिक आया, देन रिलीजन आया एंड देन साइंस आया, ठीक है। तो हम साइंस और रिलीजन तो एक साथ देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ जब यू नो अभी चंद्रयान भेजा गया तो वहाँ पर रिलीजन भी था और वहाँ पर साइंस भी था, दोनों एक साथ है। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये स्टेज आती फिर ये स्टेज, या फिर बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन, जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये एक एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो एक यूनिलिनियर जो एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं इससे फ्रांसवास को दिक्कत थी, ठीक है। तो फ्रांसवास ने सबसे पहली बात तो ये फ्लॉस बताया कि हाँ ये कमियाँ हैं, तो एक कमी तो ये हो गई इनकी। दूसरी कमी क्या हो गई, ठीक है, पहली तो हो गई ये जो एक यूनिलिनियर एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक ही लाइन में एवोल्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड जो बात करें, द मोशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज रिवोल्यूशनरी सर्वाइवल। अगर आपको पता है कि जो सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एंथ्रोपोलॉजी में किसने दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, टाइलर का है, हम सबको पता है। सो ये भी आप क्वेश्चन ये निकाल लेते, क्योंकि टाइलर ने सर्वाइवल को क्या कहा था, टाइलर ने कहा था कि जब कोई यू नो कल्चर अपने हायर स्टेज पे होता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो उसके रिमेन्स ऑफ यू नो अर्लियर कल्चर देखने को मिलते हैं, अगर आप उसको ट्रेस करेंगे तो वो जो अर्लियर कल्चर के रिमेन्स है वो देखने को मिल जाएंगे। देखिए ऐसे समझिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया कि मान लीजिए ये कोई यू नो ये कोई मॉडर्न जमाने का घर है, अभी मॉडर्न सोसाइटी का ये है, ठीक है। सो टाइलर कहते हैं कि अगर आप इस घर की स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें पुरानी ईंट आपको देखने को मिल ही जाएगी, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पुराना इसमें मिल जाए आपको देखने को, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको पुराना देखने को मिल जाए। सो टाइलर यही कह रहे हैं कि जब कोई नया एडवांस्ड कल्चर आता है तो उस कल्चर में कहीं ना कहीं अगर आप उस कल्चर को ट्रेस करोगे तो उसमें आपको रिमेन्स ऑफ अर्लियर कल्चर मिल जाएगा। और यही इसी चीज़ को इन्होंने क्या कहा था, सर्वाइवल कहा था, कि जो बच कुछ गया है पिछले कल्चर का कुछ, वो आपको नए कल्चर में मिलना है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ठीक है। जैसे हम कहते हैं नहीं कि यू नो फादर के करेक्टर सन में है, मतलब अगर आप सन को देख रहे हो, बेटे को देख रहे हो या फिर बच्चों को देख रहे हो, सन या डॉटर जो कुछ भी हो, उनमें कहीं ना कहीं फादर का कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि जो भी नया कल्चर बन के आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ पुराने कल्चर को तो रहेगा ही रहेगा, और उसी चीज़ को उन्होंने क्या कहा था, सर्वाइवल कहा था, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया, तो इस चीज़ को इन्होंने यू नो फ्रांसवास ने इसको एज अ फ्लॉ देखा था। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वीक डेटा एंड इनअप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। और ये चीज़ आपको तुरंत कर लेनी थी, अगर आपने मेरा यू नो शॉर्ट्स वीडियो देखा है, मैंने बना के डाला है शॉर्ट्स वीडियो ऑन आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है कि आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन थे, तो जो फेमस आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो कौन थे, वो टाइलर और मॉर्गन थे। और फ्रांसवास वही कह रहे हैं कि इन लोगों का जो डेटा था वो बहुत वीक डेटा था, इनअप्रोप्रिएट क्राइटेरियाज पे डेटा बनाए थे। ऑब्वियस सी बात है, वीक डेटा इसलिए था क्योंकि ये कभी फील्ड में गए ही नहीं, फील्ड वर्क इन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने तो अपना डेटा एडमिनिस्ट्रेटर से, मिशनरीज से, यू नो और जो यू नो ट्रैवलर्स से, जो उस टाइम यू नो कॉलोनियल जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था तो उन लोगों से ये लोग तो डेटा अपना मंगवाते थे, ठीक है। तो इनका डेटा इसी वजह से वीक डेटा था क्योंकि ये फील्ड पर खुद तो कभी गए नहीं, ये क्या थे, एक आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक। तो ये सारे फ्लॉज जो है फ्रांसवास ने दिए। तो आप ये क्वेश्चन दो तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी, ठीक है, ये तो एकदम सही है क्योंकि एथनोलॉजी कंपेरेटिव स्टडी है, तो ये तो कोई फ्लॉज वाली बात ही नहीं हुई। सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 47, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 ही है हमारा, 47 जी। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछ रहा है, द एम्फेसिस ऑन विमेन्स वर्ल्ड लेड टू द सीरीज ऑफ एथनोग्राफीज विच फोकस्ड ऑन विमेन सच एज। मतलब जो एक एम्फेसाइज किया गया एंथ्रोपोलॉजी में विमेन्स वर्ल्ड का, उससे कई यू नो कि हाँ हम विमेन की स्टडी करें, विमेन वर्ल्ड की स्टडी करें, उससे कई एथनोग्राफीज निकल कर आई जो कि बेसिकली किस पे फोकस कर रही थी, विमेन्स पे फोकस कर रही थी। और उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी यू नो हमें तीन एथनोग्राफीज ऐसे देखनी है जो कि किस पे फोकस कर रही हूँ, विमेन पे फोकस कर रही हूँ। सो आइए देखते हैं। सो पहली है जीन ब्रिक्स की ऑन कैनेडियन इन्यूट्स, दूसरी है एनेट वीनर
री स्टडी ऑन प्रोमिनेंट आइलैंडर्स, उसके बाद है हॉटेंस पाउडर मेकर की ऑन फील्ड वर्क एक्सपेडिशन और मिचेल रोसाल्डो ऑन हेड हिटिंग एलॉन्गॉट। ठीक है, सो आइए देखिए इन लोग के, इन चारों लोगों के बारे में जानते हैं कि इनकी स्टडी क्या थी और इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो निकालते हैं। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 47 है, इतना ज़रूरी है जानने के लिए। ओके, सो पहले जेन ब्रिक्स की बात करते हैं। जेन ब्रिक्स जो थी, सबसे पहले तो ये कौन थी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। और जेन ब्रिक्स ने 18 months, ये एक एस्किमो जिसको हम इन्यूट्स भी बोलते हैं, वहाँ पे इन्यूट्स फैमिली में ये रही और वहाँ पे इन्होंने कैनेडियन इन्यूट्स की स्टडी की और इन्होंने बुक लिखी और उस बुक का नाम था, क्योंकि अगर इनके बारे में ये पूछा गया तो हो सकता है बुक भी पूछ ली जाए, तो बुक का नाम था नेवर इन एंगर। नेवर इन एंगर, ये नेवर इन एंगर इन्होंने बुक लिखी, पोर्ट्रेट ऑफ एन एस्किमो फैमिली, इसका आगे का था पोर्ट्रेट ऑफ एन एस्किमो फैमिली। सो ये जो इन्होंने बुक लिखी, इन्होंने 18 months उस फैमिली के साथ रहा और तब ये बुक इन्होंने लिखी थी। बेसिकली इनका फोकस यहाँ की इनकी विमेंस पर था। ठीक है, सो वो चीज़, ये चीज़ इनकी बुक थी। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, एनेट वीनर की। एनेट वीनर री स्टडी ऑफ ट्रॉबलेंट आइलैंडर्स, हाँ सही है, एनेट वीनर ने री स्टडी किया था ट्रॉबलेंट आइलैंडर्स की। ये भी एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी और इन्होंने बहुत फेमस कॉन्सेप्ट दिया है इन एलिनिएबल वेल्थ का। ठीक है, इन एनिनिएबल वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, किसने, एनेट वीनर ने। और एनेट वीनर ने एक्चुअली ये अपनी जो री स्टडी की थी, स्टडी किसने की थी पहली बार, हमें पता है मेलिनॉस की बहुत फेमस स्टडी है ट्रॉबलेंट आइलैंडर्स में, उसके बाद इन्होंने री स्टडी किया। री स्टडी क्यों किया, बेसिकली इन्होंने री स्टडी इसलिए किया था ये बताने के लिए कि जो इन्होंने कहा कि जो मेलिनॉस्की की स्टडी थी वो प्रोडक्शन पे फोकस उसका कम था। मेलिनॉस्की ने बेसिकली किस पे स्टडी की थी, उनका मेन जो फोकस था मेलिनॉस्की का जो फोकस था वो फोकस था किस पे, वो फोकस था एक्सचेंज पे ना। हमने कूल एक्शन में क्या पढ़ा है, हमने ये नहीं पता पढ़ा है कि वो सारे सेल्स, वो निकलस कहाँ से आ रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, वो भी और दूसरे सामान का जो एक्सचेंज हो रहा है आपस में, रेसिप्रोसिटी जो हो रही है वो कहाँ से आ रहा है, हमें इसकी बात नहीं मेलिनॉस्की ने बताई। मेलिनॉस्की ने बस एक्सचेंज पर फोकस किया, लेकिन ये वीनर कह रही हैं कि प्रोडक्शन कहाँ गया, कहाँ से आ रहा है, आप प्रोडक्शन की बात करिए। सो उस प्रोडक्शन में वो बता रही हैं कि कैसे विमेन्स जो है उनका कितना बड़ा रोल है इस प्रोडक्शन में, विमेन कितना प्रोडक्शन में विमेन का कितना बड़ा रोल है, कि वहाँ की जो विमेन है वो कितना काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसी पे अपनी बुक भी लिखी, विमेन ऑफ वैल्यू मैन ऑफ रिनाउन, आप ये जान लीजिए, ये भी हो सकता है पूछा जाए, विमेन ऑफ वैल्यू मैन ऑफ रिनाउन। ओके, ये बुक लिखी, न्यू पर्सपेक्टिव इन ट्रॉबलेंट एक्सचेंज। ठीक, ये पूरी बुक का नाम था इसका, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो उस स्टडी में इन्होंने यही बताया कि वहाँ की विमेन्स जो उसको प्रोडक्शन जो कर रही हैं, आप उस पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने केवल और केवल केवल एक्सचेंज पर आपका फोकस था, तो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे विमेन्स के ऊपर, जो विमेन उसको प्रोड्यूस कर रही हैं उस चीज़ को इन्होंने री स्टडी करके ट्रॉबलेंट आइलैंडर्स में बताया था। ठीक है, सो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, दैट इज हॉटेंस पाउडर मेकर। ठीक है, ऑन फील्ड वर्क एक्सपेडिशन। ठीक है, सो यहाँ पर तो हमें विमेन पे फोकस करना है ना। पाउडर मेकर जो थी, ये भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, तीनों अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ओके, और इन्होंने एक्चुअली पाउडर मेकर ने बेसिकली जो स्टडी की थी वो अमेरिकन जो गांव में रहते थे, जो रूरल एरिया के अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनकी इन्होंने स्टडी की थी। और जो एक बहुत फेमस स्टडी पाउडर मेकर की, वो है हॉलीवुड की। ठीक है, इन्होंने हॉलीवुड की स्टडी की, जैसे सिनेमा की स्टडी की, कैसे आप जिसको कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सिनेमा। सो इन्होंने हॉलीवुड की स्टडी की है, इन्होंने मिसिसिपी में भी स्टडी की है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मिसिसिपी में स्टडी पाउडर मेकर ने की है। तो पाउडर मेकर की मेन जो स्टडी है वो हॉलीवुड पर है, अफ्रीकन अमेरिकन जो रूरल सोसाइटी उसकी, और मिसिसिपी में इन्होंने स्टडी की है। सो ये हमारे ऑप्शन से हट जाएंगी यहाँ पर फिलहाल। ओके, सो ये हमारे ऑप्शन से हट जाएंगे इस टाइम।
क्योंकि यहाँ पर ऑन फील्ड वर्क एक्सपेडिशन लिख रहा है तो ये हमारे ऑप्शन हट जाएंगे। देन लास्ट है ऑप्शन दैट इज मिशेल रोनाल्डो। सो मिशेल रोनाल्डो जो थी इन्होंने फिलीपींस में स्टडी की थी, फिलीपींस में, और फिलीपींस में इन्होंने बेसिकली स्टडी की थी ऑफ यू नो इमोशन की स्टडी की थी वहाँ पर, कि जो फोक माइंड होता है उनका क्या स्टडी ऑफ यू नो फोक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, कि माइंड का फोक कॉन्सेप्ट क्या है, गांव के लोग जो आम लोग हैं वो क्या दिमाग से यू नो एक इमोशनल एक जो एथनो साइकोलॉजिकल स्टडी है, ठीक है, कि कैसे साइकोलॉजी दिमाग इससे लोग क्या समझते हैं यू नो उसकी स्टडी इन्होंने की थी। और यहाँ पर जो लिखा ऑन हेड हंटिंग एल्गोनॉट, तो इन्होंने फिर इसकी भी स्टडी की थी। एक चीज़ तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है, हाँ ये सही है, इन्होंने स्टडी की थी हेड हंटिंग जो ये लोग हेड हंट करते हैं और जो एलोनगॉट लोग होते हैं, इसकी इन्होंने स्टडी की थी अपने हस्बैंड के साथ बिटवीन 67 to 69, और फिर इसकी री स्टडी भी की थी इन द ईयर 74, ठीक है, तो 74 में इन्होंने री स्टडी भी की थी, ठीक। और इनकी एक बहुत फेमस इनका जो वर्क है वो है नॉलेज एंड पैशन, इस पे इन्होंने जो बुक लिखी थी वो था नॉलेज एंड पैशन, ये बुक इनकी आई थी जब ये जब इन्होंने स्टडी की थी 1974 में, 1980 में ये बुक आई थी नॉलेज एंड पैशन। ये किसकी बुक है, मिशेल रोनाल्डो की है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपका, अब मुझे करेक्ट ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज ए बी एंड डी, मैंने बोल ही दिया ए बी एंड डी, तो चलिए हाँ सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 होगा, या क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए थोड़ा सा ट्रस्टिंग क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एट्रीब्यूट ऑफ जाति, जाति का मेन एट्रीब्यूट क्या है। देखिए यहाँ पर जाति लिखा है तो हम इसको कास्ट के साथ ही समझेंगे, ठीक, लेकिन अगर यहीं पर वर्णा लिख दिया होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली कास्ट और वर्णा में अंतर यू नो बताया जाता है, जाति और कास्ट को हम लोग एक साथ इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक। सो यहाँ पर अगर वर्णा लिखा होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाता, क्योंकि जात लिखी हुई है तो हम इसको कास्ट के साथ कंपेयर पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं, जाति आर एक्सोगैमस यूनिट्स पहला है, दूसरा है दे आर हायरार्कली ग्रेडेड, दे आर दे इनवेरिएबली हैव अ जाति लिंक्ड ऑक्यूपेशन इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, जातीज हैव इंटर इंट्रा विलेज एंड इंटर विलेज मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ओके चलिए देखते हैं देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये आपसे कह रहा है कि जातीज आर एक्सोगैमस यूनिट, और ये यहीं पर गलत हो गया, ठीक। अब तीन ऑप्शन क्योंकि हमें सही करने हैं तो हमारा तो आंसर तो हमें मिल गया, बी सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तो सही करेक्ट है, ये गलत है, क्योंकि जाति जो है वो क्या होती है, एंडोगैमस होता है, जातीय कास्ट अगर लिख दिया जाए तो ये क्या है, एंडोगैमस ग्रुप है, ठीक। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है कि आप जिस कास्ट के हैं, आप जिस जाति के हैं, आप अपनी आप जिस जाति के हैं आप उसी जाति में शादी करेंगे, ठीक। कई बार बच्चे यू नो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, एक्सोगैमी का मतलब, जैसे अगर मैं कहूँ क्लैन, तो क्लैन जो है वो एक एक्सोगैमस, क्लैन जो है वो एक्सोगैमस है, लेकिन कास्ट जो है वो एंडोगैमस है। कैसे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप क्षत्रिय हैं बाई कास्ट या फिर ब्राह्मण है बाई कास्ट, आपकी जो भी कास्ट है, सो अगर एक्सोगैमी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप, ठीक है, यहाँ पर एंड सॉरी मैंने कहा कि जाति जो है वो क्या है, एंडोगैमस, पहले तो इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो। एंडोगैमी का मतलब क्या है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण में ही शादी करेंगे, और यही होता भी है यू नो, अगर हम कास्ट के बाहर शादी कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको कि ये तो इंटर कास्ट मैरिज कर ली है इस बंदे ने ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जाति क्या है, एंडोगैमी, मतलब आपको एंडो अपने में ही शादी करनी है। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय से ही शादी करेंगे, अगर आप वैश्य हैं तो आप वैश्य से ही शादी करें, अगर आप शूद्र हैं तो आप शूद्र से ही शादी करें, तो जाति या फिर कास्ट क्या है वो एंडोगैमस होता है। लेकिन जब क्लान की बारी आती है यू नो हमारे यहाँ जब क्लान की बारी आती है तो क्लान में हम लोग कहते हैं क्लान जो है वो क्या होता है, वो एक्सोगैमस होता है, कि आप सेम क्लान में शादी नहीं कर सकते। मान लीजिए एक लड़का है बॉय है ये गर्ल है, दोनों के क्लैन सेम हैं तो ये शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपकी शादी सेम क्लैन, क्लैन में क्या होती है, एक्सोगैमी हो, आप किसी दूसरे क्लैन के हों और जिससे आपकी शादी हो रही हो किसी डिफरेंट क्लैन का हो, दोनों अलग अलग क्लैन के हों, सेम क्लैन में शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ यू नो
अगर आप हिंदू सोसाइटी में देखेंगे तो हमारे यहाँ सपिंडा रूल है, ठीक है। इसमें क्या है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 जनरेशन ऑफ फादर एंड 5 जनरेशन ऑफ मदर, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। सो आप उसमें शादी उसके बाद ही कर सकते हैं, 3 जनरेशन फादर की और 5 जनरेशन मदर की, ठीक है, सपिंडा रूल है। तो आप जो है सेम कभी अपनी सेम क्लैन में शादी नहीं कर सकते, ठीक। अगर किसी का क्लैन मान लीजिए भरद्वाज है तो वो जरूर वो उसी क्लैन की लड़की से शादी नहीं करेगा भरद्वाज से ही, वो किसी दूसरे क्लैन की होनी चाहिए, ठीक है। सो सेम क्लैन नहीं हो सकता, इसीलिए क्लैन जो है वो एक्सोगैमस हो जाता है और कास्ट है वो क्या हो जाता है, एंडोगैमस हो जाता है। आप सेम कास्ट में शादी करेंगे, आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण से शादी करेंगे, आप क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय से, आप वैश्य हैं तो वैश्य से, आप शूद्र हैं तो शूद्र से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो या सो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हायरार्की होती है, हमें पता है यू नो हायरार्की, हमारे पास एक स्ट्रेटा है, ब्राह्मण उसके ऊपर है, देन क्षत्रिय है, देन वैश्य है, देन शूद्र है, ठीक है। तो एक हायरार्की होती है कास्ट में, देन है दे आर इनवेरिएबली हैव अ जाति लिंक्ड ऑक्यूपेशन। देखिए ऐसा ज़रूरी पहले होता था, वर्णा अगर ये लिखा होता तो वर्णा के साथ तो ये बात एकदम सही जाती है कि वर्ण इसी बेसिस पे था ही कि ब्राह्मण जो है उसका काम है यू नो कि पूजा पाठ करना, क्षत्रिय जो है वो यू नो मसल पावर, वो अपना वॉर वगैरह वो देखेंगे, उसके बाद वैश्य जो है उनका काम यू नो बिजनेस से रिलेटेड है, शूद्रा का काम सर्विस से रिलेटेड है। बट अभी अगर देखा जाए तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट करने तो हम इसके साथ जाएंगे, बट हाँ लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू नो कि आज जो जिस कास्ट से या फिर जिस जाति से बिलोंग करता है वो उसी से रिलेटेड जॉब करता है, ऑक्यूपेशन करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट फॉर द क्वेश्चन के लिए हम BCG के साथ, क्योंकि हमारा ये तो एकदम ही गलत है, तो हम इसके साथ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया जाति सब इंट्रा विलेजेस या फिर इंटर विलेजेस मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन। एकदम सही बात है, हमारे यहाँ गांव में अगर आप हरियाणा में देखें तो खाफ पंचायत होती हैं, हाँ, और गांव में भी पंचायत होती हैं कि अगर कभी 2 गांव के बीच में यू नो आपस में कोई, देखिए एक टर्म है, एक चीज़ है जो मैं आपको चाहूँगी कि सारे बच्चे ये चीज़ जान लें कि कभी भी लाइफ में अगर आप कहीं पर इंट्रा या फिर कहीं पर इंट्रोवर्ट देखें तो हमेशा से अपने दिमाग में जाने कि इंट्रा का मतलब ही होता है आपस में, खुद से यू आपस में, ठीक, और इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग मतलब 2 लोगों के बीच में, ऐसे समझिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं इंट्रा कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आप लोग फर्स्ट पेपर में पढ़ते होंगे ना, इंट्रा कम्युनिकेशन और इंटर कम्युनिकेशन, 2 चीज़ें पढ़ते होंगे आप फर्स्ट पेपर में। सो इंट्रा कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जब आप खुद से बात करें, आपस में ही बात करें खुद से, जब जैसे मैं खुद से बोलूँ अच्छा मुझे अभी आज बच्चों को ये वीडियो देनी है, देन नेक्स्ट वीडियो देनी है, अच्छा फिर ऐसे करना है, ये टॉपिक पढ़ाना है, तो ये जो मैं खुद से बातें कर रही हूँ ये क्या है, इंट्रा कम्युनिकेशन, मैं अपने आप से। लेकिन इंटर कम्युनिकेशन क्या हुआ, जो मैं अभी आपसे कर रही हूँ, मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ, ठीक है, वो क्या हुआ, वो इंटर कम्युनिकेशन, जब 2 लोग आपस में ऐसे बात करें, 2 लोग या फिर 2 से ज़्यादा लोग, ये जो आपस में बात हो रहा है ये इंटर हो गया, मतलब 2 लोग, ये ना हम कहते नहीं, हम इंटरमीडिएट में हैं, मतलब हम 10th और 12th के बीच में हैं, मे बी हमारा 11th है बीच में, यू नो जब 2 चीज़ के बीच में आप हो तो उसमें 2 इन्वॉल्व हो। लेकिन जब आप खुद से ही यू नो जैसे इंटर, जैसे हम कहते हैं कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक मतलब जब ग्रुप के बीच में ही कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक, जब सेम ग्रुप के बीच में कॉम्पिटिशन हो तो वो इंट्रा, लेकिन अगर इंटर मतलब 2 अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ आई होप ये आप ये टर्म जान लीजिए, कहीं पर भी लगा है, अगर इंट्रा लगा है, इंटर लगा है, तो आप आई होप अब से आप ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें टर्मिनोलॉजी नहीं पता रहती, उसका मतलब नहीं पता रहता, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान रखिए, यहाँ कह रहा है इंट्रा विलेज, इंट्रा विलेज का मतलब क्या है, विलेज के अंदर ही, विलेज के मतलब ऐसा नहीं कि कोई ये अगर ये गांव है तो इस गांव के अंदर ही जब लोग आपस में यू नो झगड़ा लड़ाई इनके बीच में होने लगे, ठीक है, तो वो जब उसको 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 सोशल उसको कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करती हैं, इंडिया में कई जगह जीती जाती हैं कि जाति जब आपस में ही 2 जाति आपस में मान लीजिए ये जाति है इसमें ब्राह्मण ही केवल रहते हैं, इस गांव में केवल इस गांव में ब्राह्मण ही रहते हैं, अब जब ब्राह्मण ही ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे, ठीक है, विलेज के अंदर ही झगड़ा होने लगा तो वो इंट्रा विलेज हो गया। लेकिन इंटर विलेज क्या है कि मान लीजिए ये गाँव है इसमें ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र, तो अगर इनका आपस में
ठीक है, इनका दो अलग अलग ग्रुप्स का आपस में कोई भी यू नो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको उसको उसका रिजोल्यूशन हो रहा है, उसको उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर विलेज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। या सो ये चीज़ तो है ही, तो अब आप क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि इसमें कह रहा है कि इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया जाति सब इंट्रा विलेज और इंटर विलेज जो सोशल कंट्रोल और उसकी मैकेनिज्म होती है, हाँ होती है। एग्जांपल आपके पास है एक आप पंचायत, तो पंचायत सिस्टम हमारे यहाँ बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत पहले से ही पाया जा रहा है कि हाँ बाहर ना जाना पड़े, जो बात यहीं है यहीं की यहीं यू नो सुलझा लिया जाए, ठीक। तो ये हमें ऑप्शन मिल गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन है PCT, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ओके 49, या क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है, 49 है ये, कह रहा है द इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लिफर्ड क्रिस पब्लिश द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें से आपको वो बुक चूज करनी है जो कि क्लिफर्ड क्रिस, देखिए मैंने आपसे कहा है जो भी ऑथर जो भी थिंकर हमारे सिलेबस में हैं उनकी बुक को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। तो क्लिफर्ड ग्रिस को हम लोग इंटरप्रेटिव या फिर सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, इनके बारे में मैं ऊपर बात भी कर चुकी हूँ। सो डायरेक्ट अब इनकी बुक्स पे आते हैं कि इनकी कौन सी बुक है। तो यहाँ पर आपको बुक दी गई है, आपको बताना है, ये है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, कल्चर बायस, वर्क एंड लाइफ, द रिलीजन ऑफ जावा। इसमें से आपको बतानी है कि कौन सी बुक है जो किससे बिलोंग करती है, क्लिफर्ड ग्रिस से बिलोंग। सो यहाँ पर जो बुक्स है, देखिए द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर मैंने बताया है, इंटरप्रेटिव यहाँ लिखा ही इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो ये तो बुक आपकी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन किस में है, फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में। तो चलिए बी ऑप्शन को तो हम हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आप सॉल्व करिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है तो अच्छा मैंने छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ के। देखिए अब हमारे पास केवल तीन ऑप्शन है, हमें तीन मतलब ए तो है ही, ए सब में कॉमन है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास बी और सी, हमें बी और सी में सॉरी हाँ हमें बी सी और डी में देखना है, ठीक है। सो आइए देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये जो बुक है रिलीजन ऑफ जावा, हमें पता है कि क्लिफर्ड ग्रिस ने जावा पे काम किया है, तो ये भी सही है। और ये जो वर्क एंड लाइफ, अगर आपको नहीं पता है तो ये भी बुक किसकी है, क्लिफर्ड ग्रिस की है। सॉरी मैं सफाई से कर देती हूँ। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, वर्क एंड लाइफ, ये भी बुक है, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज ऑथर, ये भी इन्हीं की बुक है, और द रिलीजन ऑफ जावा, ये बहुत फेमस बुक है, इनकी कई बार पूछी भी जा चुकी है क्लिफर्ड ग्रिस की बुक है। सो ये तीनों बुक बिलोंग करती हैं किसे, क्लिफर्ड ग्रिस से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी, मतलब सॉरी यहाँ पर आप ये मत समझिए कि ये है करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अच्छा ये कल्चर बायस किसकी बुक है, कल्चर बायस, क्योंकि ये एक बार आ गई ऑप्शन में, तो जैसे मेरा पढ़ाने और पढ़ने का तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बुक है मैरी डॉगलस की, ठीक है, ये मैरी डॉगलस की बुक है कल्चर बायस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। ओके क्वेश्चन नंबर 50, ये देखिए आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ कल्चर एज सजेस्टेड बाई लेस्ली वाइट। लेस्ली वाइट ने जो कल्चर की कैटेगरीज बताई है, उसमें इनमें से कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले तो लेस्ली वाइट के बारे में जान लेते हैं, लेस्ली वाइट को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इसको इनको हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग न्यू एवोल्यूशनिज्म की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लेस्ली वाइट, जूलियन स्टीवर्ट, इन लोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और लेस्ली वाइट ने जो बहुत फेमस फॉर्मूला भी दिया था कि कल्चर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टेक्नोलॉजी, सी इज इक्वल टू ई इंटू टी, ना इन्होंने दिया था कि जितना टेक्नोलॉजी होगा उस हिसाब से कल्चर जो है यू नो प्रोग्रेस करेगा। ये चीज़ ये भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, अगर पूछा नहीं गया है तो। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। और इनकी बहुत फेमस बुक भी है एवोल्यूशन ऑफ कल्चर इनकी बुक है, एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, जो कि आई थी इंडियन 1959 में। ओके ठीक है। इनमें जो लेस्ली वाइट थे, इन्होंने कैटेगरीज ऑफ कल्चर आप यहाँ पर लिखा गया, वैसे इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग जब हम लोग ये आप नोट तुरंत इसको नोट कर लिया करें, अगर मैं जल्दी रब कर देती हूँ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मैम थोड़ा, तो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे छोड़ दूंगी जिससे आप लोग आराम से नोट कर सके, ठीक है। तो लेस्ली वाइट ने एक्चुअली इसको सोशियो कल्चरल सिस्टम अपना दिया था, ठीक, इसको इन्होंने कहा था सोशियो कल्चरल सिस्टम, ठीक है। और इसके तीन एस्पेक्ट्स बताए थे जो यहाँ पर कैटेगरीज करके आपसे पूछी गई हैं, क्या क्या बताया गया था। पहला इनका था जो एस्पेक्ट था वो था टेक्नोलॉजिकल,
मैंने फॉर्मूला ही बताया सी इज इक्वल टू ई इंटू टी, तो एक तो टेक्नोलॉजिकल होना ही है, ठीक है, सॉरी टेक्नोलॉजिकल नहीं, वन सेकेंड, ये है टेक्नो इकोनॉमिकल, ठीक है, दूसरा पूरा ले देती हूँ, टेक्नो इकोनॉमिकल। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने बात की थी वो इन्होंने बात की थी सोशियो कल्चरल, और तीसरा जो इन्होंने दिया था वो था आइडियोलॉजिकल। अब आपसे इसकी एग्जांपल भी हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ली जाए। देखिए टेक्नो इकोनॉमिकल में वो सारी चीज़ें आएंगी, वो सारे टूल्स आएंगे जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टूल्स हैं, जो ना कहीं उन्होंने कल्चर को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस करने में कल्चर के, वो सारे किस में आ जाएंगे, टेक्नो इकोनॉमिकल में आ जाएंगे। देन सोशियो कल्चरल में आपके वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। सोशियो कल्चरल में क्या आ जाएगा, सोशियो कल्चरल में जैसे मैरिज आ जाएंगे, आपके सारे इंस्टीट्यूशन, किनशिप आ जाएगा, यू नो रिलीजन आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन ये सोशियो कल्चरल में आ जाएंगे। और आइडियोलॉजिकल में, वन सेकेंड, मैं आइडियोलॉजिकल यहाँ लिख देती हूँ, आप तब तक अगर नोट कर रहे हो तो कर लें। आइडियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, आइडियोलॉजिकल में नॉलेज आ जाएगा, बिलीव आ जाएगा आपके, ठीक है, आपके वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये ऐसे इन्होंने कैटेगराइज किया था कल्चर को, ठीक है, जिसको हम लोग इनका सोशियो कल्चर सिस्टम ऑफ लेस्ली वाइट कहते हैं, ठीक। सो ये तीन है, टेक्नो इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल, ठीक है। सो ये है तीनों, ठीक। सो आप इसको नोट कर लें, ओके। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत आई थिंक गिचपिच हो गई है यहाँ पे, इसको रब करती हूँ अब, वन सेकेंड, या सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल, और यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो अगला हो जाएगा वो इस, सो नेक्स्ट हो जाएगा सेंटिमेंटल, ठीक, मतलब आइडियोलॉजिकल से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 था हमारा, या मैंने मार्क नहीं किया, ये क्वेश्चन नंबर 50 था, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आ गया, या ये क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलएल फ्रीक्वेंसीज आर ट्रू। देखिए सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन समझाने से पहले, आगे ऑप्शंस पढ़ने से पहले आपसे एक चीज़ बता दूं, कहीं भी अगर आपसे एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में क्या लाएंगे, हार्डी विनबर्ग एक्यूलिब्रियम। आपको अपने दिमाग में तुरंत हार्डी विंगबर्ग एक्यूलिब्रियम ले आना है, इसको जब भी एलील फ्रीक्वेंसी इसके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखिए हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होती क्या है, एंड देन ऑप्शन समझते हैं, देन ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ठीक। पहले समझ तो नहीं कि एलील फ्रीक्वेंसी है क्या, तभी तो ऑप्शन समझ में आएंगे ना। चलिए देख, ओके, सो एलील फ्रीक्वेंसी समझने के लिए पहले हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं जिससे हमें ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। वन सेकेंड, हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, ब्लैंक पेपर कहाँ मिल जाएगा हमें, या यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ हमें सब्जेक्टिविटी वगैरह पढ़ रखी है। सो वन सेकेंड, इसको रब करते हैं और एलील फ्रीक्वेंसी समझते हैं, चलिए ठीक। सो देखिए एलील फ्रीक्वेंसी में एग्जैक्टली है क्या, देखिए एलील फ्रीक्वेंसी आपसे कहता है इसको पहले टर्म को तोड़ देते हैं, आपस में ब्रेक कर देते हैं, एक वर्ड है एलील, दूसरी वर्ड है फ्रीक्वेंसी। आप एलील को तो आपने, अगर आप बायोलॉजी के हैं स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत पढ़ा होगा बायो में, और फ्रीक्वेंसी तो वो हर बच्चा पढ़ा होगा जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखी है ट्वेल्थ तक, ठीक है। सो ये दो टर्म हमने ब्रेक कर दिए, एक वर्ड है एलील, एक वर्ड है फ्रीक्वेंसी, दोनों मिलकर एलीलिक फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी जो भी आप कह सकते हैं बनाता है। एलील क्या है, एलील जो है वो किसी भी जीन का क्या होता है, वेरिएंट होता है, ठीक है, किसी भी जीन का क्या होता है, वेरिएंट होता है एलील, वेरिएंट, ठीक है, किसी भी जीन का क्या होता है, वेरिएंट होता है एलील। जैसे अब देखिए अगर आपको ऐसे जो मैंने ऐसे बड़ी बड़ी वेरिएंट जीन का ये सब बोल दिया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसको एकदम आम शब्दों में आपको समझाती हूँ। देखिए जीन को आप कंसिडर करिए कोई क्वाइन, अब क्वाइन में क्या होता है, एक साइड क्या होता है हेड्स होती है, एक साइड क्या होती है टेल्स होता है,
यही जो क्वाइन है ये जीन है हमारी। अब जीन या अब जीन का क्या वेरिएंट हो सकता है, यहाँ पर क्वाइन का क्या हो सकता है, उसका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। वैसे ही जीन के भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये आप देखिए, अब मैं एक आपको ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। देखिए हाँ, इसको रब करते हैं, समझिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास आई कलर का एक जीन है, मतलब एक क्वाइन है जो कि आई कलर की बात कर रहा है। ठीक, अपने दिमाग में क्वाइन रखिएगा, आई कलर ये क्या है, जीन है। अब इसके वेरिएंट क्या हो सकते हैं, मान लीजिए मैं केवल दो वेरिएंट लेके चल रही हूँ यहाँ पर, या तो मेरी आईज ब्लैक हो जाएंगी, या तो मेरी आई ब्लू हो जाएगी, या सॉरी ब्राउन हो जाएगी, जो ज़्यादातर एशिया में हम लोग देखते हैं, या तो ब्लैक होगी या तो क्या होगी, ब्राउन होगी ना। मतलब ये जो जीन है, ये जो आई कलर है, ये क्या है, आई कलर का जीन है। इसके दो अलग अलग वेरिएंट हैं, या तो ब्लैक आईज के लोग मिलेंगे या तो ब्राउन आईज के लोग मिलेंगे। ये दोनों क्या हो गए, ये एलील हो गए जीन के, जो मैंने हेड्स और टेल की बात की और इसको मैंने क्वाइन से कंपेयर किया। क्वाइन है तो क्वाइन तो जीन हो गया, हेड्स आएगा ये भी क्वाइन का वेरिएंट है, टेल्स आएगा ये भी क्वाइन का वेरिएंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हेड और टेल आने के कितने चांसेस हैं। हम मैथ्स में प्रोबेबिलिटी अगर आपने किसी बच्चे ने पढ़ी हो तो हम लोग उसमें यही तो पढ़ते हैं ना, प्रोबेबिलिटी में, कि हेड्स आने के कितने चांसेस हैं, अगर हम क्वाइन को उछालेंगे टेल्स आने के कितने चांसेस हैं। तो वही चीज़ एलिलिक फ्रिक्वेंसी भी है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो है किस एलिल के ज़्यादा उस पॉपुलेशन में यू नो दिखने के चांसेस हैं, वही एलिल फ्रिक्वेंसी हो जाती है। मतलब अगर हम एलिल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ें, एलिल फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करें, तो एलिल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता क्या है, एलिल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलिल, सॉरी एलिल, मान लीजिए वो आपका एलिल ए है या फिर ब्लैक कलर जो भी आप मान लीजिए ए इन द पॉपुलेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ जीन इन द पॉपुलेशन। मतलब पूरे पॉपुलेशन में कितनी जीन है और जो आप एलिल ए की या फिर आप ब्लैक कलर की जीन की बात कर रहे हैं वो कितनी है। और अच्छे से और थोड़ा और समझते हैं इसको, अगर आपको यू नो फॉर्मूले से नहीं समझ में आया, मतलब कि अगर मैंने कहा कि आई कलर की, मैंने फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है आई कलर की एग्जाम्पल लेते हैं, और मैंने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स हैं, फादर है कि मदर है, ये फादर से एक एलिल आएगा, मान लीजिए फादर ने ब्लैक आई का एलिल दिया और मदर ने ब्लू आई का दिया, सॉरी ब्राउन आई का दिया, बार बार ब्लू ही आ रहा है, ब्राउन आई का दिया। ठीक है, सो जो बच्चे होंगे, जो चिल्ड्रंस होंगे इन पेरेंट्स के, एक दो मतलब एक से ज़्यादा ही होंगे, मैंने चिल्ड्रन लिखा है, सो वो जो बच्चे होंगे उनमें ब्लैक आई या फिर ब्राउन आई के कितने चांसेस है। अच्छा मान लीजिए अगर ब्लैक आई के ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, मान लीजिए इनके चार बच्चे होते हैं और तीन बच्चों के जो है वो क्या होता है ब्लैक आईज के हो जाते हैं, तो इसकी एलिल फ्रिक्वेंसी ब्लैक कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी ना, और इनकी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो यही एलिल फ्रिक्वेंसी है कि कौन से, अगर हम इसको बड़े लेवल पे बड़े पॉपुलेशन में बात करें, सो जो कौन सा एलिल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, किस किस आई कलर के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे हम एशिया में बात करें तो आपको ब्लैक कलर के ज़्यादा लोग मिलेंगे, ठीक है यूरोप चले जाएंगे तो आपको ब्लू कलर के लोग भी दिखने लगेंगे, यू नो टर्की वगैरह में उधर बहुत से लोग ब्लू आईज होती हैं उनकी। मतलब है कि अब आप लोग को हनी सिंह का गाना है ना याद आए, ठीक है सो वहाँ पर ब्लू आईज के लोग हैं, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन में जो एलिल फ्रिक्वेंसी है ब्लू आई की वो ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ की पॉपुलेशन। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिल फ्रिक्वेंसी एग्जैक्टली है क्या, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आया है तो आप मुझे कॉमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से एक अलग सा वीडियो बना दूँगी इस पर। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, हम कहाँ थे, कल्चर बायस हो गया था, आई थिंक कंटिन्यू नहीं, वन सेकेंड, या सो आई थिंक ये हिंदी में क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में चाहिए, या यहाँ तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब चलिए इसको हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, वन सेकेंड, या सो आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। चलिए देखते हैं, आप इसमें ऑप्शंस में पढ़ती हूँ, आई होप आपको एलिल फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपसे पूछ रहा है कि इसमें एलिल फ्रिक्वेंसी के बारे में क्या ट्रू है। ठीक है,
द सम ऑफ एनी सेट ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज वन. ओके, इफ एन एलील इज मिसिंग इन अ पॉपुलेशन इज फ्रीक्वेंसी इज जीरो. ओके, इफ देयर आर टू एलील्स एट अ लोकस एंड वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ देम, वी कैन ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर बाय सब्सट्रैक्शन. ठीक है, इफ टू पॉपुलेशन हैव द सेम जीन फ्रीक्वेंसी और बोथ विल बी इन हार्डी विंगवर इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ पर आपसे सही ऑप्शन ट्रू कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है ट्रू है वो हमें बताना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. वन सेकेंड, वे ये क्या हो गया. सही, हाँ देखिए. सो यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हार्डी, जब भी एलील फ्रीक्वेंसी आए तुरंत हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम अपने दिमाग में लाना है. हम लोग हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, इज इक्वल टू वन ही तो पढ़ते हैं. यही तो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम का. तो जस्ट सम ऑफ एनी द सम ऑफ एनी सेट ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज वन. यस, इट इज ऑलवेज वन. ये सही है. ठीक है, इफ एन एलील फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग इन अ नेक्स्ट है, इफ एन एलील इज मिसिंग इन अ पॉपुलेशन इज फ्रीक्वेंसी जीरो. सही बात है, अगर आप कोई एलील है ही नहीं, ये एलील है ही नहीं मान लीजिए, तो इसका अगर ये जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है. ठीक, तो ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट है, इफ देयर आर टू एलील्स एट अ लोकस वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी जानते हैं तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्शन करके निकाल लेंगे. हाँ निकाल लेंगे. कैसे, जैसे हमने इस पे बहुत से क्वेश्चन भी आप लोगों ने लगाए होंगे, अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं सो हमें एलील फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है. वन सेकेंड, सो उसमें क्या होता है, हमें होमो जो मान लीजिए पी स्क्वायर है जो कि क्या होता है स्मॉल पी स्क्वायर है. सो अगर ये होमोजाइगस, वन सेकेंड, होमो, हाँ होमोजीनस अगर ये डोमिनेंट है और क्यू स्क्वायर होमोजीनस रिसेसिव है. ठीक है, सो इन दोनों का अगर हमको एक का पता रहता है तो हम वन में से माइनस करके, मान लीजिए पहले का दिया गया कि 0.7 है तो हम दूसरे का निकाल लेते हैं, अच्छा इसका 0.3 होगा. ठीक है, सो ये चीज़ सही है कि हाँ अगर हमें एक का पता है तो हम दूसरे की फ्रीक्वेंसी को निकाल लेते हैं. ठीक, लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है इफ टू पॉपुलेशन ऑफ द सेम जीन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, दोनों का हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम, सॉरी एक साथ इतना बोलने पे कभी समटाइम्स आई स्टार्टेड फंबलिंग. सो या हार्डी विंगर जो इक्विलिब्रियम, ओके हाँ, सो उनका जो वो हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा. सो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर फोर्थ. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस. देखिए सेक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस, अब देखिए अगर सेक्स लिंक यहाँ इनहेरिटेंस की बात हो रही है, अभी रिसेसिव डोमिनेंट की बात नहीं करते, केवल सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की अगर बात करें, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर बात करें, तो उसमें सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे. सो हमें पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम हैं, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, जो ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 22 पेयर्स, और ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल दोनों में क्या होता है, मेल फीमेल में सेम ही होते हैं. लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है ये डिफरेंट होते हैं ना, इसी वजह से मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम जो मेल में होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, और जो फीमेल में होते हैं वो क्या होता है, एक्स और एक्स. तो ये फीमेल और ये मेल. ठीक है, सो अब हमें किसकी बात करनी है यहाँ पर, सेक्स लिंग इनहेरिटेंस की, मतलब हम सेक्स क्रोमोसोम की इसकी बात करेंगे. अब यहाँ पर कह रहे हैं सेक्स लिंग इनहेरिटेंस, मतलब ऐसा इनहेरिटेंस जो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ यू नो के थ्रू हो रहा है. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब नेक्स्ट चीज समझते हैं. वन सेकेंड, हाँ अब देखिए यहाँ जब आपसे कह रहा है कि सेक्स लिंग क्या है, रिसेसिव इनहेरिटेंस हो रहा है. सो अगर हम मेल की बात करें, मतलब एक्स और वाई, तो मेल के केस में तो रिसेसिव और डोमिनेंट जैसा कोई केस होता ही नहीं है, बिकॉज मेल में अगर किसी भी क्रोमोसोम पर यू नो किसी भी डिजीज़ का यू नो जीन आ गई, ठीक है, या फिर एलील आ गया, तो वो वहीं डोमिनेंट हो जाएगा, बिकॉज दूसरा जीन उसको मास्क करने के लिए नहीं है. बट इन द केस ऑफ फीमेल अगर आप बात करो, तो फीमेल के केस में क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स हैं, ठीक है, सो अगर एक
किसी क्रोमोसोम पे मान लीजिए डिजीज्ड जीन है तो दूसरा उसको मास्क कर देगा, इसीलिए वजह से ये क्या हो जाएगी रिसेसिव, और जब ये दोनों पे होगा तभी ये क्या हो जाएगा रिसेसिव और डोमिनेंट का केस होगा। और ऐसे केसेस में जिसमें एक ही एक ही जीन पर है, एक ही क्रोमोसोम पर है अफेक्टेड जीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केस, यहाँ पर जो फीमेल हो जाएगी वो कैरियर हो जाएगी और यहाँ इस केस में ही वो अफेक्टेड होगी। मतलब कैरियर होने का क्या मतलब है कि इसी केस में केवल वो उसके अंदर जीन तो है वो ट्रांसफ़र तो करेगी नेक्स्ट जनरेशन में, बट कोई आउट जो फिनोटिपिक कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखेगी, बाहर से आपको बीमारी एकदम नहीं पता चलेगी कि अच्छा इस इंसान के अंदर ऐसी भी कोई कोई डिजीज़ है, लेकिन वो ट्रांसफ़र करती रहेगी या जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन जब दोनों केस में दोनों क्रोमोसोम पे जीन होंगे वो अफेक्टेड जीन होगा तभी वो इंडिविजुअल अफेक्टेड दिखेगा, ठीक है, इन द केस ऑफ फीमेल्स। ओके, लेकिन मेल के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों जीन्स क्योंकि अलग अलग हैं तो वहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का केस है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर कह रहा है सेक्स लिंक रिसेसिव, मतलब हमें यहाँ पर क्या समझ कर रहना है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया। अब यहाँ पहला केस कह रहा है अफेक्टेड फीमेल कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड और कैरियर मदर, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि जो कह रहा है ऐसा होता है कि नहीं। सो हमें पता है कि जो सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर होता है ये किस तरीके से चलता है, इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो फादर है, ठीक है, उसका कैरेक्टर, सॉरी वन सेकेंड, मैंने फादर लिखना था, हाँ, जो फादर है उसका कैरेक्टर मदर के थ्रू ग्रैंड सन में जाता है, ठीक। मतलब आपके नाना का जो है कैरेक्टर वो माँ के थ्रू आपके पोते के अंदर आता है, ठीक। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, वन सेकेंड, मतलब कि ये जो मतलब ये समझिए फादर क्या, इसको ये समझ लीजिए नाना है, ये आपके अंदर जो करेक्टर आ रहा है वो आपकी मदर के थ्रू, ठीक है। मतलब ये जो फादर है वो अपनी डॉटर के थ्रू, अगर मैं इसको फादर कहूँ तो ये अपनी डॉटर के थ्रू अपने ग्रैंडसन के अंदर ये करेक्टर ट्रांसफ़र कर रहा है। और अगर आम भाषा में समझिए तो आपके जो नाना का करेक्टर वो आपकी मम्मी के थ्रू आपके अंदर आ रहा है, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ जो कह रहा है कि द ट्रेड नेवर स्किप जनरेशन, ये पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि ट्रेड जो है वो जनरेशन स्किप करता है, क्योंकि मदर के अंदर, मदर क्या है, मदर तो कैरियर हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर डिजीज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ट्रेड नेवर स्किप जनरेशन, नहीं, जनरेशन स्किप कर रहा है। फाइनली किस जनरेशन में दिखेगा, नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर दिखता है, क्योंकि मदर जो होती है इस केस में क्या हो जाती है, कैरियर हो जाती है, ठीक। ओके, सो अगर हम देखें, सो ये जो पहला ऑप्शन कह रहा है, वन सेकेंड, यहाँ जो कह रहा है कि मोस्ट अफेक्टेड, सॉरी अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर और अफेक्टेड और कैरियर मदर, तो आइए इसको देख लेते हैं। ऐसा होता है इसमें कि अगर मान लीजिए फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, वन सेकेंड, और मदर जो है वो कैरियर, मान लेते हैं यहाँ पर मदर कैरियर है, एक ही पे होगा, ठीक है। अब इसका अगर आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर देखिए, और सो इन दोनों केसेस में आप देखोगे ये जो सन है, ये सन दोनों अफेक्टेड हैं, और इस केस में जो ये डॉटर है ये जो है ये अफेक्टेड भी है और एक कैरियर है, ठीक है। तो अफेक्टेड डॉटर भी हो रही है और कैरियर भी हो रही है, और ये जो कैरियर है क्योंकि यहीं पर जनरेशन, इसलिए एक जनरेशन स्किप कर जाएगा। सो यहाँ जो कह रहा है कि जनरेशन स्किप नहीं करती, तो जनरेशन स्किप करती है। और मैंने जैसे आपको बताया, इससे एक चीज़ और, नेक्स्ट पॉइंट भी हमारी इसी से क्लियर हो जाती है कि जो मेल्स होते हैं, मोस्टली मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल को अफेक्ट होने के लिए उसके दोनों क्रोमोसोम पे अफेक्टेड जीन होना ज़रूरी है। अगर किसी एक पे हुआ तो दूसरा उसको मास्क कर देगा और वो फीमेल कैरियर हो जाएगी। लेकिन मेल के केस में क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स हमारे डिफरेंट हैं, तो किसी एक पर भी अगर अफेक्टेड जीन आया तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट का ही केस होगा, रिसेसिव जैसा केस कोई होगा ही नहीं। इसी वजह से मेल जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल्स। ओके, सो ये भी सही है। नेक्स्ट है, द मेजोरिटी ऑफ सेक्स लिंक ट्रेड्स आर फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो ज़्यादातर एक्स क्रोमोसोम पर ही जो सेक्स लिंक ट्रेड्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है।
और मेजोरिटी ऑफ जो डिजीज भी अगर आप देखोगे तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ही आपको दिखती हैं, जो लाइक हीमोफीलिया है ना, कलर ब्लाइंडनेस। सो ये सारी डिजीज आपको सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में ही, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में मिलेंगी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 53। या क्वेश्चन नंबर 53 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी जेनेटिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स? क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के आपसे फीचर पूछे हैं, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा समझते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होता क्या है, इसको ये जान लेते हैं सबसे पहले। सो देखिए, हम जब पढ़ते हैं फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट, ठीक है, कि आप फिजिकली कैसे, आपका आउटर अपीयरेंस क्या है, आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप बाहरी कैसे दिखते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका आपकी जेनेटिकली आप कैसे बने हुए और आपके ऊपर एनवायरमेंट का कैसा असर है, ठीक, पहली चीज, ठीक है। अब ये जो फिनोटाइप है, ये जिस फिनोटाइप की हम लोग बात करते हैं, ये फिनोटिपिक आपके जो कैरेक्टर हैं, ये दो तरीके से आगे इनको डिवाइड किया जाता है, जो आपके फिनोटिपिक ट्रेड्स हैं ये फर्दर दो टाइप से इनको डिवाइड किया जाता है। पहला है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स और दूसरा है क्वालिटेटिव ट्रेड्स, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आप उसमें भी पढ़ते होंगे रिसर्च में भी, और वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, जो क्वांटिटेटिव है मतलब वो न्यूमेरिकल है ना, वो स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है, उसमें नंबर है, और क्वालिटेटिव ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी थियोरेटिकल है, ठीक है। एक हमारा यही एक बेसिक जो अगर हम समझें, सो यहाँ भी वही सेम चीज है कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, हमारे ऐसे करेक्टर जिनको हम मेज़र कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हाइट, हमारी हाइट, हम इसको मेज़र कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, ठीक है। सो हमारी हाइट जो है या फिर आप हमारा वेट एग्जाम्पल ले सकते हैं वुमन का। सो ये सब चीज़ें जिनको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, जो इस जिसमें एक आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक, वो सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में आती है। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, देखिए ऐसे समझते हैं कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसके मेजरेबल है, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो इसको हम लोग, ये मेजरेबल है, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को। सेकेंड वन इज़ कि क्वांटिटेटिव ट्रेड जो होता है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। अब मल्टीफैक्टोरियल का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको मल्टीपल चीज़ें क्या करती हूँ, अफेक्ट करती हूँ, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटेटिव ट्रेड है वो उसको दो चीज़ें अफेक्ट करती है, पहला कि इसको इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा, मतलब आपकी हाइट कैसी है, ये डिपेंड कर सकता है कि मतलब आप कैसे जगह किस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, आपको मिल्क मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये किस पर डिपेंड करता है, इसको पॉली जीन्स, ठीक है, मतलब कई जीन्स, इसको मल्टीपल जीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, मल्टीपल जीन्स अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं जो इसको, एक तो आपका मल्टीपल जीन्स मतलब पॉलीजेनिक कैरेक्टर है ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होता है, और दूसरा इन्वायरमेंट भी इसको अफेक्ट करता है, इसलिए मल्टी फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें फिनोटिपिक आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, फिनोटिपिक वेरिएशन देखने को मिलती है, इसीलिए क्या है, कॉन्टिन्यूम की तरह रहता है, इसी वजह से इसको, इसमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर आप ह्यूमन सोसाइटी देखें तो आपको हाइट में बहुत तरह के लोग देखेंगे, लंबे लोग भी दिखेंगे, उनसे छोटे दिखेंगे, बहुत छोटे लोग दिखेंगे, ठीक है। सो आपको एक क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो मेजरेबल है, आप उसको मीटर, सेंटीमीटर, हाइट किसी में भी नाप सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पर नाप सकते हैं, वो मल्टीफैक्टोरियल, उस पर इन्वायरमेंट और पॉलीजीन्स मतलब मल्टीपल जीन्स का इफेक्ट होता है, और क्या होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा चेंज देखने को मिलता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक
जो आप और अगर आप ऐसे समझना चाहें कि जो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की जो हम बात कर कह रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वेरिएशन का, वो है आपका स्किन कलर। स्किन कलर में अगर आप देखें तो बहुत वेरिएशन है, आपको बहुत तरीके के लोग नेग्रो लोग मिलते हैं, उसके बाद वाइट मिलेंगे, कई कलर के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी स्किन कलर भी जो है वो भी एक एग्जांपल है किसका, क्वांटिटेटिव ट्रेड का। अच्छा, क्वांटिटेटिव ट्रेड जान रहे हैं तो इसी वक्त हम थोड़ा सा क्वालिटेटिव ट्रेड्स भी हम समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं? वो ट्रेड्स होते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड्स जो जिनको मल्टीपल जीन नहीं, केवल सिंगल जीन ही या फिर कभी कभी एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करें, और जो कि जैसे इसका एग्जांपल और जिन पे मतलब सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है हमारा आरएच फैक्टर। अगर हम एग्जांपल लें सो आरएच फैक्टर में पता है कि ह्यूमन में या तो आप आरएच पॉजिटिव पाओगे या फिर आप आरएच नेगेटिव पाओगे, इससे ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को में नहीं मिलेगी। सो क्वालिटेटिव यही है कि जिसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन मिले, जिसको आप उतना मेज़र ना कर सको, ठीक है। सो वो सारे आते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड्स में, लेकिन ऐसे ट्रेड जिनको आप मेज़र कर सको, जिनको पॉलीजीन्स जिनको कंट्रोल करती हैं, जिनके ऊपर इन्वायरमेंट का भी असर हो। देखिए क्वालिटेटिव ट्रेड्स आरएच पे आपके इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी और इन्वायरमेंट चले जाओगे आप आरएच पॉजिटिव से निगेटिव हो जाओगे, ठीक। लेकिन लेकिन आपकी हाइट, अगर आप किसी ऐसे जगह हैं जहां आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेकिन आप किसी ऐसे जगह चले जाते हैं जहां आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपकी प्रॉपर केयर की जा रही है, हो सकता है कि उस बच्चे की हाइट बढ़ जाए ना। तो इन्वायरमेंट का भी असर पड़ता है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। सो अब आपको आंसर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आंसर खुद जान गए होंगे किसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन और दूसरा है पॉलीजेनिक कंट्रोल। सो ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज वन, ठीक है। आगे चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा हमारा 54। ओके, सो या क्वेश्चन नंबर 54, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार कई तरीके से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस के लिए क्या ट्रू है। देखिए ये इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज फीमेल पेल्विस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्केलेटन का, जिससे पेल्विस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्केलेटन का, जिससे आप मेल और फीमेल इन दोनों के स्केलेटन में जो डिफरेंस है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कहीं ऐसा स्केलेटन मिलता है, आप अगर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ी है और वहाँ पे आपको ये डिटरमाइन करना है कि वेदर ये एक फीमेल स्केलेटन है और मेल स्केलेटन है, तो अगर आपको पेल्विस वहाँ मिल जाता है तो आप आसानी से वो चीज़ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से जो डिफरेंस है दोनों मेल और फीमेल पेल्विस में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सो मैं आपको इसमें देखने से पहले ये क्या क्या ऑप्शन दिए, मैं अपनी तरफ से आपको फीमेल पेल्विस पे जितने भी मेन फीचर्स हैं इसके वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला चीज कि जो फीमेल पेल्विस है, मैं ऐसे लिखती जा रही हूँ, फीमेल पेल्विस जो है वो क्या होती है, लार्ज होती है प्लस ब्रॉडर होती है, ठीक है। फीमेल पेल्विस उसके साथ ही साथ क्या होती है, लाइटर होती है और थिनर होती है। देखिए ये जो मैं लिख रही हूँ इसका अपोजिट ऑफ मेल पेल्विस के साथ आप समझिएगा, ठीक है, ठीक। जो फीमेल इनलेट होता है पेल्विस का, जो इनलेट होता है वो भी क्या होता है, लार्जर होता है और प्लस क्या होता है, ओवल इन शेप होता है, ओवल होता है, ठीक है, दिस इज ओवल, ओके। उसके बाद जो साइड्स होते हैं फीमेल पेल्विस के वो भी क्या होते हैं, वाइडर होते हैं, ठीक है। साइड्स जो होते हैं वो भी वाइडर होते हैं, वाइडर होते हैं। जो एंगल बिटवीन जो इन्फीरियर रैमी और जो रैमी का जो इन्फीरियर प्यूबिक रैमी जो होता है हमारा, अभी मैं आपको किसी दिन ये चीज़ फिगर से समझाऊंगी, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि जो इन्फीरियर प्यूबिक रैमी होता है उसका जो एंगल होता है वो हमेशा जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, हमेशा हमारा जो एंगल होता है वो होता है 90 to 100, मतलब हमेशा जो एंगल रहेगा वो कैसे रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। 90 से ज़्यादा मैथ्स में हमने पढ़ा है ना कि जो एंगल 90 से ज़्यादा होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाते हैं। सो फीमेल्स में भी क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, 90 और 100 के बीच में होता है, ठीक है। और जबकि जबकि इसको कंपेयर करेंगे अगर मेल से, तो मेल जो प्यूबिक आर्क होता है वो सब प्यूबिक एंगल पर रहता है, ठीक है, ओके। सो मैं और
आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं यहीं पर और आगे के पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट चीज़ जो है, जो बोन फॉर्म करती हैं एंगल आर्क जो, वो ज़्यादा कॉनकेव होती हैं जो, ठीक है। सो फीमेल्स में जो बोन आर्क होता है वो ज़्यादा क्या होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। बट स्ट्रेट होता है मेल में जो होता है वो स्ट्रेट होती है, कॉन्वेक्स मत समझिएगा, वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है इशिया बोन का, ठीक है, वो स्मॉल होता है मेल्स में, और फीमेल्स में जो होता है डिस्टेंस होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। सो जो ये जो इशिया बोन का डिस्टेंस होता है वो फीमेल्स में जो होता है लार्ज होता है, ठीक। ओके, जो ग्रेटर सियाटिक नॉच होता है वो फीमेल्स में जो होता है, ग्रेटर जो सियाटिक नॉच होता है कई बार वो वाइडर होता है फीमेल्स में, ठीक है। और क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और जो फीमेल्स का सैक्रम होता है वो शॉर्टर होता है, वाइडर होता है और ज़्यादा कर्व्ड होता है, ठीक है। और जो एसिटाबुला होता है वो भी वाइडर होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एसिटाबुला है वो भी फीमेल्स में वाइडर होता है, ठीक। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो फीमेल का जो पेल्विस होता है वाइडर होता है। इसका अगर रीज़न भी पूछा गया तो इसका रीज़न है कि बेबी बर्थ, ठीक है, क्योंकि फीमेल जो होती है वो बेबी को बर्थ देती है, इस वजह से उनका पेल्विस जो होता है वाइडर होता है, लाइटर होता है, थिनर होता है, ठीक है, और उसका एंगल भी ज़्यादा होता है, ठीक। सो अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से सारे आपको लगभग लगभग बता दिए हैं इसके। इसका जो अपोजिट है वही क्या है, मेल का है, ये आप दिमाग में रखिएगा। हाँ, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। सब प्यूबिक एंगल इज़ वाइडर मोर देन 90 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया कि जो सब प्यूबिक एंगल होता है, मतलब इन्फीरियर प्यूबिक जिसको रेमी बोलते हैं, वो ऑप्टियूस होता है फीमेल्स में। सैक्रम इज नैरोअर एंड मोर कर्व। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो सैक्रम होता है वो फीमेल का नैरो नहीं होता, वाइडर होता है, ठीक है। और ये जो मोर कर्व्ड की बात हो रही है, हाँ कर्व्ड तो होता है लेकिन नैरो नहीं होता, वाइडर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ये चीज़ यहाँ पर कि जो ग्रेटर सियाटिक नॉच होता है वो ज़्यादा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेटर सियाटिक नॉच जो होता है फीमेल्स में वो वाइडर होता है, तो ये भी पॉइंट सही है, ये भी सही है। और मसल जो होती है वो लेस रोबस्ट होती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पर जो गलत था, जो रॉन्ग ऑप्शन था, जो फीचर नहीं है फीमेल पेल्विस का, वो ये है, दैट इज़ बी, ये फीचर नहीं है फीमेल, दैट इज़ सैक्रम जो नैरो नहीं होता, सैक्रम वाइड होता है। ज़्यादातर फीमेल आप पेल्विस में जो है वाइडर ही आपको चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 55। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 55 आ गया है। हम लोग 55 हमसे पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट डाउन सिंड्रोम आर करेक्ट। सिंड्रोम जरूर पढ़ के जाइए, कौन सा सिंड्रोम, उसमें कौन सी यूनिट ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है, उसके बाद फिर क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर घट रहे हैं, कौन सा क्रोमोसोम बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे के जाइए। और सारे जितने भी हैं सेक्स लिंक, यू नो जितने भी डिजीज हैं, सेक्स एक्स लिंक, रिसेसिव एक्स लिंक, डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये सारे डिजीज यू नो सारे देख के जाइए एकदम। इसको गूगल करके जितनी भी आपको लिस्ट मिलती हैं उसको नोट करिए। वैसे मैं दे दूंगी जल्दी ही, लेकिन आप उन सब चीज़ों पे भी मतलब इन सब चीज़ों को भी पढ़ते रहिए खुद से। ओके, सो यहाँ पर पूछ रहा है डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या सही। चलिए पढ़ते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एक्स्ट्रा ऑटोसोम। ओके, द कॉज इज नॉट डिसजंक्शन व्हेन क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ओके, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज डायमेट्रिकली इन मदर ओवर द एज ऑफ 40। पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव नॉर्मल IQ। तो सीधी सी बात है, इसमें जो एकदम जिसको कहते हैं ना इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो वो तो डी हो जाएगा कि पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव नॉर्मल IQ। तो ऐसा नहीं होता, जो डाउन सिंड्रोम के लोग होते हैं उनकी नॉर्मल IQ नहीं होती है, बिकॉज सो ऐसे लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर मेंटली रिटार्डेड होते हैं ऐसे बच्चे। ओके, और तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, इसमें से तीन ऑप्शन सही करने, तो आंसर तो हमें मिल गया है, दैट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ABC। ओके, लेकिन अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है उसमें एक्स्ट्रा ऑटोसोम्स होते हैं, और ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है, डाउन सिंड्रोम होता कब है, जब ट्राइसोमी किस पे हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, जब ट्राइसोमी हो जाती है
ऑन द क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, मतलब ट्राइसोमी होने का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं एट द ऑटोसोम दैट इज क्रोमोसोम नंबर 21 पे, ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर ट्राइसोमी हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है? इसका होने की यही वजह है द नॉन डिसेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर सेपरेट नहीं हो, ठीक है, ऐसे ही एक साथ क्रोमोसोम वैसे ही चले जाए। ठीक है, तो वहाँ नॉन डिसेक्शन ऑफ क्रोमोसोम जब होता है, यू नो, सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब चले जाते हैं, जब एक फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है, और जब एट द टाइम ऑफ यू नो सेपरेशन, वो डिसेक्शन के अलग होने की कारण जब ना वो ना हो और लिंकेज के कारण दोनों क्रोमोसोम ही एक साथ यू नो चले जाएं उसमें, तो तब ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो जब नॉन डिसेक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है देन ये प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ जिसको जिसकी वजह से सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को और अच्छे से समझाऊंगी, बस अभी के लिए इतना समझिए कि जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर हुई है और यहाँ पर क्रोमोसोम आपस में जब सेपरेट नहीं हो पाते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है, तब नॉन डिसेक्शन होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ये इसकी वजह है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज ड्रामेटिकली इन द मदर ओवर 40 ईयर्स। देखिए, जो मदर यहाँ पर 40 लिखा है, बट बेसिकली अगर यहाँ पर 35 भी अगर लिखा होता तब भी ये सही होता, बिकॉज 35 भी एज मानी जाती है जब फीमेल की एज 35 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब जिसको कहते हैं लेट मैरिज का ये एक समझिए कि ड्रॉबैक है कि ये बच्चे जो होते हैं उनमें ये सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आफ्टर 35 ये जो नॉन डिसेक्शन ऑफ क्रोमोसोम होना जो है ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, और एक चीज़ और, ये तो पाया गया है कि हाँ जो मदर जिनकी एज यू नो 35 से ज़्यादा होती है उनमें ये प्रॉब्लम होती है, बस इसके साथ साथ ऐसी मदर्स जिनकी एज जो है 35 से लेस होती है, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ मैनी मोर प्रेगनेंसी, ज़्यादा यू नो ज़्यादा बर्थ बेबी बर्थ होने की वजह से भी ऐसी यू नो मदर्स पाई जा रही हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम, जिनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम जैसी यू नो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, सो अगर 35 से कम और जो है बर्थ रेशियो ज़्यादा है, मैनी मोर बर्थ रेट है यंग एज में, यू नो यंग एज में अगर वो विमेन है और उसमें बर्थ रेट ज़्यादा है, सो वहाँ पर भी डाउन सिंड्रोम के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया तीनों, दैट इज़ ऑप्शन। ठीक है, सो चलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हार्डिंग वर इक्विलिब्रियम से आया है, अभी हम लोग ने एलेलिक फ्रीक्वेंसी में इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशन ऑफ हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, मतलब हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम मतलब जो चीज़ जैसी है बस उसी में बनी रहे, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ठीक, मतलब जो एलेलिक फ्रिक्वेंसी है, मान लीजिए ब्लू ही आज हो रही है और कोई आई मुझे नहीं ध्यान आ रही, ब्लू आई कलर के अलावा कोई आईज नहीं आ रही। ठीक है, सो अगर ब्लू आई कलर ही ज़्यादा लोग यू नो देखने को मिल रहे हैं उस पॉपुलेशन में, सो वही बनी रहे, कोई डिफरेंस देखने को मिले ना मिले, कोई चेंज देखने को मिले, कोई नए कलर के आइस के लोग उस पॉपुलेशन में देखने को ना मिले, सो वो इक्विलिब्रियम जैसा है वैसा का वैसा मेंटेन रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, ये है आपसे, ये कुछ जो कहते नहीं एवोल्यूशनरी फोर्सेस एकदम से गायब हों, जिसकी वजह से भाई सीधी सी बात है आप जैसे हैं वैसे ही आप बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है ना कि कोई आपको छेड़े नहीं, आप जैसे हैं वैसे रहें। ठीक है, कोई आपको कुछ बोले नहीं, आप मान लीजिए किसी की 10 बजे सो के सुबह सोने की आदत है, आपको कोई नहीं बोल रहा, आप डेली 10 बजे तक सो के उठो, आपका वही रूटीन बनी हुई। लेकिन अगर आपको किसी ने छेड़ दिया, अगर यार तुम बताओ तुम 10 बजे सो के उठते हो, ये भी कोई टाइम ऐसा, या फिर मम्मी ने डांट दिया, तो आप क्या करोगे, उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, है कि नहीं। और अगर किसी ने आपको नहीं डिस्टर्ब किया तो आपकी वही इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन है, पेपर हो कुछ भी हो, मैं तो अपने टाइम पे सो के उठूंगा, है ना। सो वही चीज़ यहाँ पर भी है, हार्डी विंगवर इक्विलिब्रियम, कि
जब तक कोई इस इक्विलिब्रियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई एवोल्यूशनरी फोर्स इसको छेड़ेगा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, तब तक ये इक्विलिब्रियम अपना मेंटेन करके ही रखेगा, ठीक। और कौन सी चीज़ें इसको, और अच्छा ये चीज़ मेंटेन होने के लिए क्या क्या एजम्पशन, मतलब क्या क्या होना चाहिए कि हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम जैसा इक्विलिब्रियम है, पी स्क्वायर प्लस क्यू टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन मेंटेन रहे, ठीक। सो इसलिए क्या होना चाहिए, आई होप मैंने इतना कुछ आपको समझाया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं और अब ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन की साइज़ स्मॉल होनी चाहिए, लार्ज की पॉपुलेशन की साइज लार्ज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होती रहे या फिर कोई म्यूटेशन ना हो और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। सो देखिए मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि सारे अजम्पशन नहीं दिए गए हैं, तो मैं आपको सारे बता देती हूँ सो दैट कि आप उसको भी कहीं नोट कर लें अपनी कॉपी में। सो देखिए, हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम जैसा है वैसा ही रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई म्यूटेशन ना हो जीन में, क्योंकि म्यूटेशन होगा सीधी सी बात है, ठीक है। म्यूटेशन होगा तो ऑब्वियस ही बात है, या तो जीन में होगा या तो क्रोमोसोम में होगा, मतलब है कि छेड़छाड़ होगी, मतलब नया कॉम्बिनेशन बनेगा, नया रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब कुछ नया करेक्टर निकल के आएगा, तो वो हमें करना नहीं है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है। इसलिए नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, रैंडम मीटिंग होती रहे, ठीक है। ठीक, तो पांच एजम्पशन है इसके मेन, तो नो म्यूटेशन, रैंडम मीटिंग, कोई जीन फ्लो ना हो, नो जीन फ्लो, ठीक है। अगला क्या है, पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज हो, वेरी लार्ज पॉपुलेशन साइज। और लास्ट जो एजम्पशन है वो क्या है, वन सेकेंड, नो नेचुरल सिलेक्शन। सो अगर आप चाहते हैं कि हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम जैसा है वैसा ही बना रहे, सो इसके लिए आपके पास पांच एजम्पशन है और आपको इन्हीं पांचों एजम्पशन को फॉलो करना है, नो म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग, नो जीन फ्लो, वेरी लार्ज यू नो पॉपुलेशन और नो नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये चीज़ें हैं तो हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, उसमें कोई मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। सो इस हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दैट इज बी सी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया और आप ये पांचों नोट कर लें कहीं पर। चलिए आगे चलते हैं। सो 57 पे आ गए हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, वेरी गुड क्वेश्चन। Which of the following statement are true for mitochondrial DNA? Mitochondrial DNA के बारे में पहले से भी बता चुकी हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी में माइट्रोकॉन्ड्रिया और प्लांट्स में प्लास्टिड, या ये दो ऐसे यू नो ऑर्गेनल्स हैं जिनमें अपना खुद का DNA होता है, इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसका भाई जिसके पास अपना खुद का DNA है, ठीक है, ठीक। सो ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या बातें सही लिखी हुई हैं और क्या बातें गलत हैं, ये हमें बताना है। सो यहाँ पर कुछ केसेस में दो ऑप्शन सही हैं और कुछ केसेस में तीन ऑप्शन सही हैं, तो हमें देखना है कि दो सही हैं तीन सही हैं, चलिए पता लगाते हैं, ओके। सो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA के बारे में यहाँ से आपसे पूछ रहा है। सो हम देखिए, मैं आपको माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA से रिलेटेड जो जो मेन चीज़ें हैं यहाँ बताती चलती हूँ, ठीक। सो पहली चीज़ कि हमारा जो न्यूक्लियर DNA होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हेलिकल में होता है, लेकिन ये जो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA है, माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, ठीक। उसके बाद जो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA होता है उसमें बेस पेयर्स कितने होते हैं, 16569, ऐसे याद कर लें फ़ोन नंबर की तरह बेस पेयर्स होते हैं। थर्ड जो मतलब इसके क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट जो भी आप समझ लें कि माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA जो है उसमें 37 जीन्स होते हैं, 13 प्रोटीन होती हैं जो कोड करती हैं, ठीक है, और इसमें से 22 ट्रांसफर RNA होते हैं, tRNA जिन्हें हम लिखते हैं, और दो जो होते हैं वो RRNA मतलब राइबोसोमल RNA होते हैं।
सो पहला ये क्या होता है, सर्कुलर होता है 6569 बेस पेयर होते हैं, 37 जीन्स होते हैं, 13 प्रोटीन होते हैं, 22 tRNA 2 rRNA, इतना समझ गए। ओके अब यहाँ पर पहले अब ऑप्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखा है ह्यूमन माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA कोड्स फॉर 37 जीन्स, तो हमने भी 37 लिखा है तो पहला तो सही हो गया। माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA इज अ डबल स्टैंडर्ड लूप ऑफ DNA, सो या जो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है, बट एक ही चीज़ होती है, माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, और जो न्यूक्लियर DNA होता है वो हेलिकल होता है, मतलब माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA समथिंग लाइक दिस एंड हमारा जो न्यूक्लियर DNA होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ईच माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोसेस 10 to 200 एम्प्टी DNA लूप्स, माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA हैज 16569 बेस पेयर्स, तो ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है कि वन सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ जिससे मुझे क्लियरली दिखे। ओके या सो यहाँ पर जो लिखा है कि ईच माइट्रोकॉन्ड्रियल प्रोसेस 100 to 200 माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA लूप्स, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर माइट्रोकॉन्ड्रिया में इतने DNA के लूप्स नहीं होते हैं, ठीक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, B and D, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी कि माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA सर्कुलर होता है, 16569 बेस पेयर होते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA होता कहाँ, माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, एक चीज़ ये जान लीजिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि कभी ना कभी इस चीज़ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, जब इतना यू नो बेस पेयर तक पूछ लिया जा रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया के, तो ये चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है पूछी जाएगी कि माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA का इनहेरिटेंस में क्या रोल है, ठीक है। सो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA का बहुत बड़ा रोल है मैटरनल इनहेरिटेंस में, मैटरनल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज जो ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ये यू नो हमेशा मदर से ट्रांसफ़र होता है। सो अगर आपको कभी अपने मैटरनल साइड का यू नो किसी को अपने मैटरनल साइड का अगर यू नो पेडिग्री को ट्रेस करना है, सो वो माइट्रोकॉन्ड्रियल माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA के थ्रू हो सकता है, ठीक है। सो ये और कई इससे डिजीज़ भी ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आप पेटर्निटी के लिए, माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA से जो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA से रिलेटेड डिजीज़ भी हैं वो भी ये इसी पैटर्न से इनहेरिट होते हैं मदर से अपने चाइल्ड में, ठीक है। सो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA की मदद से हम लोग अपने मैटरनल साइड के जो भी लोग हैं उनकी एक पेडिग्री को भी ट्रेस कर सकते हैं। सो माइट्रोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं मैटरनल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, और इससे मैटरनल फैमिली टाइज जो हमारी हैं, जो यू नो हमारे नाना मामा उनकी जो वो हमारी जो फैमिली टाइज है उसको हम यू नो ट्रेस कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक। तो कभी हो सकता है कि ये चीज़ पूछी जाए आपसे, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फालतू में रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच गए 58 पर, ओ 58 पे गुरिल्ला आ गया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर गुरिल्ला, गुरिल्ला से रिलेटेड आपसे टर्म पूछा गया है कि क्या मतलब स्टेटमेंट्स दिए गए, पूछा गया क्या सही है, ठीक है। देयर लोकोमोटर पैटर्न ऑफ ग्राउंड इज नकल वॉकिंग टाइप, ओके। देयर नेचुरल हैबिटेट इज अफ्रीका एंड यूरोप, ओके। ध्यान फोर्सेस स्टडीड देम एक्सटेंसिवली एंड दे डू नॉट हैव टेल्स, ओके। सो सबसे पहले तो आपको जो चीज़ पता है वो यही है कि इनमें क्या होता है, टेल्स जो होती हैं नहीं होती हैं, तो ये तो सही हो गया। अगर आप किसी ने गोरिल्ला देखा भी होगा तो उसका तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो डी ऑप्शन किसके किसके साथ है, बी ए के साथ है और बी के साथ है, दो में है। और तो चलिए देखते हैं, तो पहला ए तो सही हो गया कि हाँ ये यू नो हमेशा ज़्यादातर क्या होते हैं, ये यू नो हमेशा ज़मीन पर ही होते हैं, ठीक है। सो इस वजह से यह इनकी नकल वॉकिंग टाइप होती है, एकदम सही है। और दूसरा जो है कि इसको डियान फोसे ने इसकी स्टडी की है, सो ये भी सही हो गया। और नेक्स्ट जो है वो ये कि दे डू नॉट हैव टेल्स, तो इसमें टेल्स तो होती नहीं, ये भी सही हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इनका ये मैंने क्यों गलत किया कि इनका नेचुरल हैबिटेट अफ्रीका और यूरोप है, तो यूरोप नहीं है, ठीक है, ये यूरोप में नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, केवल ऑप्शन नंबर ए बी एंड
सॉरी ACNT, ओके चलिए। और हाँ, ये गोरिल्ला पे स्टडी किसने की है, चिंपांजी पे किसने की है, ये चीज़ पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला है, सो आप जाके वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत फेमस है। बार बार पूछा जाता है कि गोरिल्ला की स्टडी किसने की, चिंपांजी की किसने की, ऑरंगउटान की किसने की, और आसान सा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। सो मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, आप जाके उसको तुरंत देख लो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछ रहा है, एन इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑन क्रोमोसोम नंबर 21 इज डाउन सिंड्रोम। अभी हमने पीछे पढ़ा द फिनोटिपिक फिनोटाइप इंक्लूड, मतलब जो बच्चा होगा फिनोटाइप, मैंने आपको बताया ना आउटर अपीयरेंस, कि वो बाहर से कैसे दिखेगा, इसके अंदर ये जिसको ये जेनेटिक अंदर से जो इसका क्रोमोसोम यू नो ट्राइसोमी हो रखी 21 क्रोमोसोम नंबर पे, उसकी फेनोटिपिक मतलब वो बाहर से उसका आउटर अपीयरेंस कैसा होगा, मेंटल रिटार्डेड होगा, इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो 10 से 12 साल एक्सटेंड हो जाती है। अच्छा, साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन डाउन सिंड्रोम शोज 90% फ्री ट्राइसोमी एंड 5% ट्रांसलोकेशन। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा, मुझे कभी कभी लगता है मैं बड़ा घिचपिच कर देती हूँ पढ़ाते वक्त लेकिन आदत है यू नो हर चीज मार्क करके पढ़ाने की। सो ट्राइसोम नंबर 21 पे होता है ये, हमने क्या और पूछ रहा है कि आपसे क्या फिनोटिपिक, मतलब मैंने आपको बताया कि कैसे बाहर से यू नो क्या कैरेक्टर होते हैं डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेंटल, सो वन सेकेंड, सो ये लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी आपको इनमें देखने को मिलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सटेंडेड बाय 10 to 20 ईयर्स, एकदम गलत हो गया। और जो साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज़ है वो यू नो डाउन सिंड्रोम में 90% फ्री ट्राइसोमी में होती है और 5% ट्रांसलोकेशन में होता है, ये भी सही है क्योंकि कई तरीके के होते हैं, फ्री ट्रांसलोकेशन, मोजैक, ठीक है, कई तरीके के डाउन सिंड्रोम होते हैं। सो ये चीज़ सही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे पूछा गया है गोरिल्ला, क्योंकि अभी आया था तब ये लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे, ठीक है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस एफरेंसिस मतलब लूसी के बारे में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट है इट वाज फाउंड फ्रॉम हदर एंड इथोपिया, देयर एज इज अबाउट 3.0 to 3.6 मिलियन ईयर अगो, देयर क्रेनियल कैपेसिटी वाज 750 cc, मतलब ये क्रेनियल कैपेसिटी, एंड फूट प्रिंट इंडिकेट बाइपेडल पैटर्न, फूड पैटर्न, ठीक है। सो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं लूसी से रिलेटेड, ठीक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसका नाम लूसी क्यों हुआ था, ठीक है, और किसने इसको डिस्कवर किया था, तो आप मुझको इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरा वीडियो कितने ध्यान से देखते हो, ठीक। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इनको हदार और इथोपिया, मतलब इथोपिया के हदार रीजन में यू नो इनको डिस्कवर किया गया था। देयर एज जो होती है जो है वो 3.6 मिलियन ईयर एगो है, क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में गलत लिखा हुआ है, और फूड प्रिंट हमें पता है लियोटलिप में मिला था हमें ना, वहाँ पर मदर और चाइल्ड के फूड प्रिंट्स मिलते हैं, सो ये भी सही है। और वहाँ से पता चलता है कि लोग बाइपेडल फूड पैटर्न मिले हैं, कि हाँ ये लोग चलते थे, बाइपेडल लोकोमोशन करते थे। और जो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, 375 to 500 cc थी, ठीक। सो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बस इतनी ही थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, ओके।